शेयर होल्डर एक कंपनी के रियल ओनर्स होते हैं, और शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को रियल ओनर्स माना जाता है। कंपनी का मतलब होता है इनकॉर्पोरेटेड या रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 इंडिया में। यहाँ पे मैंने ये हाईलाइट इन वर्ड्स को जान करके किया है, क्योंकि कभी जब आप सोचेंगे कि कंपनी जैसी बाकी फीचर तो पार्टनरशिप में भी हो सकती हैं। पार्टनरशिप भी कई लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं, और कंपनी भी कई लोगों का एक ग्रुप होता है जो मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए बिजनेस करते हैं। तो इस लिहाज से देखें तो कभी महसूस होगा कि तब पार्टनरशिप और कंपनी में अंतर क्या है। इनमें अंतर ये है कि ऐसा कोई भी ग्रुप, जैसे पार्टनरशिप है कम से कम 2 मेंबर हों, ज्यादा से ज्यादा 50 हों, लेकिन इसी बीच में इसी मेंबरशिप के उसमें हमें कंपनी में भी दिख सकता है कोई, क्योंकि पब्लिक कंपनी में भी मिनिमम 7 रहते हैं, प्राइवेट में मिनिमम 2 रहते हैं, प्राइवेट में मैक्सिमम 200 रहते हैं और पब्लिक में अनलिमिटेड रहते हैं। तो अब आप गौर करेंगे तो देखो इसकी जो बीच की लिमिट है वो इसकी बीच की लिमिट से मेल खाती है। तो अंतर यही होता है, जो सबसे मेजर और खास बात किसी संस्था को कंपनी बनाती है वो यही होती है कि कंपनी इज एन ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट, तभी उसको कंपनी माना जाता है। बाकी ये कॉमन डेफिनेशन है इसकी, इसको आप सिंपली पढ़ सकते हैं। खास बात यही है कि कंपनी ऐसा कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको कुछ लोग मिलकर के प्रॉफिट अर्न करने के लिए चलाएं और वो उसका रजिस्ट्रेशन कराएं कंपनीज एक्ट के तहत, तब उसको कंपनी बोला जाता है। ये सामान्य फीचर्स हैं एक कंपनी की। कॉमन फीचर्स हैं एक कंपनी की। कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट होती है, इसका मतलब होता है कि कॉर्पोरेट रजिस्ट्रेशन होता है उसका, एज ए कंपनी रजिस्टर्ड होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी का उस कंपनी के मेंबर से जो लीगल एग्जिस्टेंस होता है वो एकदम अलग होता है। कानून की नजर में कंपनी अलग होती है और जो उसके मेंबर होते हैं वो अलग इकाई होते हैं। अगर कंपनी कंपनी इंसॉल्वेंट होती है तो मेंबर्स के पर्सनल जो प्रॉपर्टीज है उस पर कोई अंतर नहीं आता है। ठीक वैसे ही मेंबर्स के साथ अगर कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसका कंपनी के एग्जिस्टेंस पे कोई अंतर नहीं आता है। लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कंपनी की। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के, यानी कि शेयर होल्डर्स, इनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, और इनकी लाइबिलिटी की लिमिट होती है या तो इनके द्वारा खरीदे गए शेयर की कीमत, यानी कि प्राइस, जितने का इन्होंने शेयर खरीदा है, जितने रुपए का शेयर इसने परचेज किया, ज्यादा से ज्यादा इसकी उतनी लाइबिलिटी है, उससे बड़ा कोई भी लॉस होगा तो ये बिल्कुल भी उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। या अगर कोई कंपनी गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी है, तो मेंबर के द्वारा दी गई जो गारंटी है वहां तक इसकी लिमिट होगी केवल। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कंपनी का जो उत्तराधिकार होता है वो हमेशा होता है, परपेचुअल होता है। अगर कंपनी के किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस शेयर होल्डर के जो वारिस होते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, अगर उनकी भी डेथ हो जाएगी तो जो उनके शेयर होल्डर होंगे वो वारिस बन जाएंगे। मतलब ये परपेचुअल सक्सेशन चलता रहता है। कॉमन सील, कंपनी क्योंकि ह्यूमन बीइंग नहीं है लेकिन कंपनी को कानून की नजर में एक पर्सन की तरह माना जाता है, तो इसलिए एक पर्सन की तरह उसको कुछ ऐसा पावर होना चाहिए जिससे वो साइन कर सके, लेकिन क्योंकि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है तो वो साइन नहीं कर सकती है, तो इसलिए कॉमन सील का प्रोविजन होता है। कॉमन सील, इसकी एक सील होती है जो सारे पेपर्स में लगाई जाती है, उस सील के पेपर पे लगे होने के बाद ही वो पेपर ऑथेंटिक माना जाता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल होते हैं। अब ये जो फीचर है ये केवल हमको पब्लिक कंपनी में मिलती है, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं, लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं उनके शेयर आसानी से ट्रांसफरेबल होते हैं। एक इसका मतलब ये है आसानी से ट्रांसफर होने का यहाँ पे, कि एक शेयर होल्डर अपने शेयर किसी भी तीसरे आदमी को बेच सकता है, ना तो इसके लिए उसे कंपनी से अनुमति लेने की जरूरत है और ना किसी अन्य शेयर होल्डर से पूछने की जरूरत है, लेकिन पार्टनरशिप के केस में यह संभव नहीं होता है। मेश्यू और बीश्यूड, इसका मतलब है कि क्योंकि कंपनी कानून की नजर में एक पर्सन की तरह होती है तो कंपनी भी किसी को स्यू कर सकती है, यानी कि किसी पे कोर्ट में केस दायर कर सकती है, वाद दायर कर सकती है, केस चला सकती है, और ठीक वैसे ही कंपनी पे भी कोई पर्सन केस दायर कर सकता है। इसके बाद है काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी के कई प्रकार हो सकते हैं, यहाँ पे जो मेजर टाइप है उनका केवल हम डिस्कशन करेंगे। कंपनी
कंपनी के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, मेंबर की लायबिलिटी के बेस पे कंपनी के टाइप हो सकते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, ऐसी कंपनी जो शेयर्स के द्वारा लिमिटेड हो, इसका मतलब होता है कि जितने रुपए का कोई शेयर खरीदेगा वो इतने तक दायी होगा। जैसे मान लो मैं रिलायंस लिमिटेड के 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लेता हूँ और 1 लाख रुपए मैंने पे भी कर दिया, तो मेरी लायबिलिटी अगर रिलायंस लिमिटेड को कल को कुछ मिस हैपनिंग हो, को कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, मुझसे कोई रुपए नहीं मांग सकता है, क्योंकि मैं जो 1 लाख रुपए के शेयर खरीद चुका हूँ मैं वो ऑलरेडी पे कर चुका हूँ, बस अब मेरी कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर कंपनी लिमिटेड बाई गारंटी है तो शेयर होल्डर जितने की गारंटी देते हैं, जो मेंबर्स होते हैं वो गारंटी तय करते हैं कि मैं इतने रुपए तक का लॉस बियर कर लूंगा, उस गारंटी तक सीमित रहती है लायबिलिटी। और तीसरी होती है अनलिमिटेड कंपनीज। अनलिमिटेड कंपनीज ऐसी कंपनी होती हैं जिनमें जो मेंबर होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं रहती है लायबिलिटी की, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी से भी जो कंपनी है उसके कर्जे पे किए जा सकते हैं। हालांकि इंडिया में इस तरह की कंपनी अस्तित्व में नहीं है, देखने में नहीं आती है, लेकिन ऐसा नहीं क्योंकि इंडिया में कोई इन पे कोई प्रतिबंध है, कंपनीज एक्ट में इनको परमिट किया गया है, अलाउ किया गया है, लेकिन ये हमारे यहाँ अस्तित्व में नहीं है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर। अब बात आती है कि एक कंपनी के कितने सदस्य हैं। सदस्य कहते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स को ही, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वही इसके ओनर होते हैं, वही इसके मेंबर भी कहलाते हैं। जब इनकी संख्या के आधार पर देखते हैं तो एक कंपनी पब्लिक कंपनी हो सकती है। पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है, एक्ट में जैसे डिफाइन किया गया है कि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी। दूसरी बात, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होगी जो सब्सिडरी नहीं होगी किसी प्राइवेट कंपनी की, तो ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कह सकते हैं, ये एक्ट में डिफाइन किया गया है। ऐसे आम भाषा में अगर बताऊं तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी को कहते हैं जिसके शेयर शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, उसके शेयर्स को आम पब्लिक खरीद सकती है, किसी के शेयर खरीदने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, ऐसी कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहते हैं। दूसरी होती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी उस कंपनी को कहते हैं जो अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अनुसार रिस्ट्रिक्ट करती हो राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स, यानी कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उन पे ये प्रतिबंध होता है कि वो अपने शेयर किसी अन्य व्यक्ति को नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके अलावा प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए। हालांकि क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 में एक नया प्रोविजन आ चुका है और उस प्रोविजन में ये प्रावधान है कि 1 पर्सन कंपनी भी हो सकती है, तो इसको अगर छोड़ दें, यहाँ पे फॉर मोर क्लैरिफिकेशन में एक बार कह दूं कि जो 1 पर्सन कंपनी होती है ये भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, लेकिन इन जनरल जो बाकी कंपनीज होती हैं जो 1 पर्सन से, क्योंकि 1 पर्सन में कुछ और खासियत होती है, स्पेसिफिकेशन होते हैं, इसलिए उसको आम जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं उनसे अलग रखा जाता है। तो मिनिमम 2 मेंबर हम बोलेंगे और मैक्सिमम मेंबर इसके ज्यादा से ज्यादा 200 हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के। इसके बाद 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसमें केवल एक नेचुरल पर्सन इसका मेंबर का हो या ओनर का हो या शेयर होल्डर का हो, होता है। उसकी कंडीशन है कि वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारतीय नागरिक होना चाहिए, इन रेजिडेंट इन इंडिया और भारत में निवासी होना चाहिए, वही 1 पर्सन कंपनी यहां पे फॉर्म कर सकता है। कोई भी ओपीसी 1 पर्सन कंपनी सभी नॉर्मल बिजनेस कर सकती है, लेकिन वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज नहीं चला सकती है। इसके अलावा इसकी पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी। इसके अलावा कंडीशन है कि इसका एवरेज एनुअल टर्नओवर, टर्नओवर का मतलब होता है टोटल अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम सेल्स, जो सेल्स से पैसा मिलता है, चाहे गुड सेल करने से चाहे सर्विसेज रेंडर करने से, वो 3 ईयर्स पिछले जो 3 साल हैं उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी। जब आमतौर पे कंपनी की बात की जाती है तो ये नेचुरल है कि इसका मतलब होता है कि हम एक पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। तो जब भी आम कंपनी के बारे में बात की जाती है इन जनरल डिस्कशन में,
तो इसका मतलब होता है कि हम किसी पब्लिक कंपनी की बात कर रहे हैं। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके शेयर मार्केट में लिस्टेड होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होने की वजह से उनको आम पब्लिक उनको खरीद सकती है और जब चाहे उनको बेच भी सकती है। उनके खरीदने बेचने पे कोई प्रतिबंध नहीं होता है, क्योंकि इस कंपनी में, पब्लिक कंपनी में, बहुत सारे लोग मिलकर के कैपिटल लगाते हैं। इसलिए इसकी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है। इसकी कैपिटल शेयर्स में डिवाइड रहती है, इसलिए इसकी कैपिटल को शेयर कैपिटल बोला जाता है। और ऐसी कंपनीज के लिए एक नाम और यूज किया जाता है, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इनको बोला जाता है। कैटेगरीज ऑफ शेयर कैपिटल, अब ये जो शेयर कैपिटल है ये भी कई तरीके की हो सकती है। इसमें जो मेजर टाइप्स हैं उनमें आता है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं, और रजिस्टर्ड कैपिटल के अलावा इसको नॉमिनल कैपिटल भी बोल दिया जाता है। नॉमिनल कैपिटल यह वो कैपिटल होती है जो एक कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब बनाती है, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि पार्षद सीमा नियम बोलते हैं हिंदी में, पार्षद सीमा नियम के एक जो कैपिटल क्लॉज होता है काफी महत्वपूर्ण, उस कैपिटल क्लॉज में कंपनी इस बात का वर्णन करती है कि उनकी कितनी कैपिटल रहेगी। जितनी कैपिटल से इनको अलाव होता है वो इस वाक्य में, इस कैपिटल क्लॉज में लिखा रहता है, और उसी कैपिटल को हम ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। इसका इम्पोर्टेंस यह होता है कि कोई कंपनी अपने लाइफ टाइम में ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा के शेयर इशू नहीं कर सकती है। जैसे किसी कंपनी की ऑथराइज कैपिटल अगर मान लो 100 करोड़ है, तो वो 100 करोड़ से ज्यादा अपने लाइफ टाइम में शेयर इशू नहीं कर सकती है। ये अलग बात है कि शुरू में हो सकता है वो 50 करोड़ ही इशू करे, बाद में कभी 10 करोड़ इशू कर दे, और इवन जो बोनस शेयर इशू होते हैं उनको मिला करके भी टोटल शेयर कभी भी 100 करोड़ से ऊपर नहीं पहुंचने चाहिए। नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल में से जितने शेयर कंपनी इशू कर देती है आम पब्लिक में, आम पब्लिक को बेच देती है, उनको हम इशूड कैपिटल कहते हैं। और जो ऑथराइज कैपिटल का जो हिस्सा अभी तक इशू नहीं हुआ है उसको अन इशूड कैपिटल बोल दिया जाता है। जैसे 100 करोड़ में से मान लो कंपनी ने 60 करोड़ के शेयर इशू कर दे, तो 60 करोड़ इशूड कैपिटल कही जाएगी, और जो बाकी रह गई 40 करोड़ ये अन इशूड कही जाएगी। ये जो अन इशूड कैपिटल है ये फ्यूचर में कंपनी कभी भी इसको इशू कर सकती है जरूरत पड़ने पर। सब्सक्राइब कैपिटल, जो इशूड कैपिटल होती है, जैसे मान लो कंपनी ने 60 करोड़ रुपए के शेयर इशू कर दिए, तो जरूरी नहीं है कि पूरे 60 करोड़ की एप्लीकेशन आ जाएं। तो जितने शेयर्स की एप्लीकेशन आती है कंपनी के पास उसको हम कहते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब यानी कि प्रार्थित पूंजी, जितनी पूंजी के लिए आम पब्लिक ने प्रार्थना पत्र भेजे, एप्लीकेशन भेजे, उसको हम सब्सक्राइब कैपिटल कहते हैं। इसके बाद आता है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल जैसे जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, लोगों की एप्लीकेशन आ गई हमारे पास, अब उसके बाद लोगों की एप्लीकेशन के बाद हमने लोगों को अलॉट कर दिया, और अलॉट करने के बाद, अलॉट करना मतलब हमने लोगों को शेयर दे दिए। जब शेयर लोगों को दे दिए तो हम उस पर पैसा कॉल करते हैं। कई दफ़े कंपनी पूरा पैसा एक बार में मंगा लेती है लमसम, और कभी कभी कंपनी ये पैसा किस्तों में मंगाती है, इंस्टॉलमेंट में। तो इंस्टॉलमेंट में जब मंगाती है तो ऐसा हो सकता है कि 10 रुपए के शेयर पे अभी केवल 8 मंगाए गए हों और 2 रुपए अभी नहीं मंगाए हों। तो जो 8 मंगा लिए हैं इनको हम कहते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जो अभी तक नहीं मंगाए हैं इनको कहते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। फिर इसके बाद पेड अप कैपिटल, जो 8 रुपए मंगाए हैं हो सकता है कुछ शेयर होल्डर दे दें, लेकिन कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो कुछ एक या दो कॉल नहीं दे पाते हैं किसी कारण से, तो उसको जो नहीं दे पाते हैं उसको कहते हैं कॉल सिनेरियो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल रखता हूँ कि मान लो 8 रुपये पर शेयर कंपनी ने मंगाए, एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसके पास 1,000 शेयर थे। अब 1,000 शेयर पे उसको देने थे 8 रुपये, लेकिन उस पर ये 8 रुपये जो हैं इनमें से उसने 6 रुपये तो दे दिए, 6 रुपये आज तक दे दिए, लेकिन लास्ट की जो कॉल आई थी 2 रुपये वो ये नहीं दे पाया। मतलब ये जो 8 रुपये थे इनमें से 6 दे चुका है और 2 नहीं दे पाया है। जितने ये नहीं दे पाया है इसको कहेंगे अनकॉल्ड अमाउंट या कॉल्स इन एरियर। तो ये 1,000 शेयर पे ये जो 2 रुपये नहीं दे पाया है इसको हम बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। एक्चुअल में कंपनी ने जो कैपिटल कॉल की थी, जो मंगाई थी, उसमें से ये कैपिटल 2,000 ऐसी है जो नहीं दी गई है शेयर होल्डर के द्वारा, तो इस 2,000 को घटा देंगे और जो कैपिटल हमारे सामने आएगी वो पेड अप कैपिटल होगी। जैसे मान लो कंपनी ने कुल
सपोज यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, 50,000 शेयर इशू किए और 50,000 पे 8 रुपए के रेट से मंगाए अभी तक, तो 4 लाख मंगाए, तो जो 4 लाख है ये तो कॉल्ड अप होगी, और कॉल्ड अप में से जो 2,000 है जो नहीं दिया है एक पर्सन ने अपने 1,000 शेयर पे, ये कॉल सेनाइडियर का अमाउंट हम माइनस कर देंगे, और बाकी जो कैपिटल बचेगी 3,98,000, इसको बोलेंगे पेड अप कैपिटल। एक्चुअल में ये जो पेड अप कैपिटल होती है यही बैलेंस शीट में दिखाई जाती है। इसके बाद है अनकॉल्ड कैपिटल, तो अनकॉल्ड जो नहीं मंगाई, जैसे हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 8 रुपए मंगा लिए कॉल्ड अप, और जो नहीं मंगाए अभी ये अनकॉल्ड कहलाएंगे। इसके बाद है रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल क्या होती है? रिजर्व कैपिटल इस अनकॉल्ड कैपिटल का जो अभी तक नहीं मंगाई है इसका पार्ट होती है, और इसका वो पार्ट होती है जिसके बारे में कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो ये रिजोल्यूशन पास कर लें कि अब ये जो 2 रुपए हैं हम इनको मंगाने वाले नहीं है क्योंकि कंपनी को फर्दर कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कंपनी जब ऐसा प्रपोजल पास कर दे अपने यहाँ और ये तय कर ले कि इसको नहीं मंगाया जाना है, तो ऑटोमेटिकली ये कैपिटल रिजर्व कैपिटल बन जाती है। रिजर्व इस सेंस में बनती है क्योंकि हमें पता है कि कंपनी के केस में जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है, और उनकी लायबिलिटी रहती है शेयर की कीमत तक लिमिटेड। तो शेयर की कीमत तो 10 रुपये थी, 8 रुपये लोग दे चुके हैं, 2 रुपये अभी नहीं दिए हैं, और ये कंपनी ने मंगाए भी नहीं, तो कंपनी ने नहीं मंगाए। लेकिन अगर कंपनी कल को इंसॉल्वेंट हो जाए, कंपनी का समापन होने लग जाए और उस समय फंड की जरूरत पड़े, तो कंपनी इन 2 रुपयों को मंगा सकती है। तो यही जो अमाउंट है ये रिजर्व कैपिटल कहलाती है। तो रिजर्व कैपिटल अनकॉल्ड कैपिटल का वो हिस्सा होती है जिसको कोई कंपनी अपने जीवन काल में नहीं मंगाती है, केवल कंपनी तब मंगाती है जब कंपनी के सामने ऐसी सर्कमस्टांसेस हो जाएं कि उसको ये मंगानी जरूरी हो जाए। नेक्स्ट है नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर। अब जो शेयर होते हैं उनके कौन कौन से क्लास हो सकते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 के मुताबिक कंपनी के ये जो शेयर हैं दो तरीके के हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं? प्रेफरेंस शेयर वह शेयर होते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट कहा गया है कि वह शेयर होते हैं जिनको दो तरह का प्रेफरेंस होता है, इसीलिए इनको प्रेफरेंस बोलते हैं। प्रेफरेंस को हिंदी में बोलते हैं पूर्वाधिकार, यानी कि पूर्व अधिकार, पहले अधिकार। किससे पहले? इक्विटी शेयर से पहले अधिकार होता है। इन्होंने क्या अधिकार होता है? दो अधिकार होते हैं। पहला होता है डिविडेंड लेने का, यानी कि लाभांश। दूसरा होता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल। तो दो पूर्वाधिकार होते हैं, इसलिए इनको हम पूर्वाधिकार अंश या प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। जो पहला पूर्वाधिकार है डिविडेंड का, ये राइट ये कहता है कि एक कंपनी को जब प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट में से वो डिविडेंड बांटती है। अब पहले जो डिविडेंड बांटा जाएगा वो प्रेफरेंस शेयर को मिलेगा, उसके बाद कुछ बचेगा तब इक्विटी शेयर को मिलेगा। ठीक वैसे ही रीपेमेंट ऑफ कैपिटल या रिटर्न ऑफ कैपिटल का भी प्रेफरेंस होता है इनको। ये प्रेफरेंस ये होता है कि अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट होती है, समाप्त होती है, कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है, तो लिक्विडेशन के समय कंपनी बाहरी कर्जों को चुकाने के पश्चात अब शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल होती है उसको उसको चुकाती है, उसको वापस करती है, तो उस केस में सबसे पहले जो शेयर कैपिटल वापस होगी वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को होगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिंग हो सकते हैं, क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव हो सकते हैं, रिडीमेबल हो सकते हैं, इरिडीमेबल हो सकते हैं। जो इरिडीमेबल होते हैं इनको परपेचुअल भी कहा जाता है, परपेचुअल। पार्टिसिपेटिंग कौन से होते हैं? जनरली प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को एक निश्चित दर से लाभांश मिलता है, जैसे अगर 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं तो इनको प्रॉफिट में से 10% मिल जाएगा। कुछ केस ऐसा होता है, अगर मान लो कंपनी ये तय कर दे पहले ही कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को शुरू में तो निश्चित डिविडेंड मिलेगा ही और बाद के जो प्रॉफिट्स होंगे उनमें से भी इनका कुछ हिस्सा रहेगा, तो पार्टिसिपेटिंग कहलाते हैं। अगर बाद के प्रॉफिट्स में इनका कोई हिस्सा नहीं रहेगा तो नॉन पार्टिसिपेटिंग कहलाएंगे। क्यूमुलेटिव होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, जैसा कि हमने देखा कि 10% डिविडेंड मिलेगा, लेकिन डिविडेंड की कंडीशन होती है कि प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। मान लो कोई साल ऐसा रहा कि कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुए तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड भी नहीं मिला। अब इस मामले में क्या हो सकता है कि अगर किसी प्रेफरेंस शेयर्स के साथ ये कंडीशन है तो उनका जो प्रेफरेंस डिविडेंड है अगर किसी साल नहीं मिला तो नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा कि अगर नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होते हैं तो सबसे पहले इनका जो पुराने वाला है वो दिया जाएगा, यानी कि क्यूमुलेट होता रहेगा, एक्यूमुलेट इकट्ठा होता रहेगा। तो ऐसे
प्रेफरेंस शेयर अगर इस कंडीशन में रहते हैं तो उनको क्यूमुलेटिव कहते हैं, और नॉन क्यूमुलेटिव कहते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन नहीं हो, जिस साल का डिविडेंड नहीं मिला उस साल का नहीं मिला, आगे जब मिलेगा तो केवल अगले का देखा जाएगा। रिडीमेबल हो सकते हैं, रिडीमेबल का मतलब होता है कि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं उनको कुछ समय, कुछ निश्चित समय के पश्चात जितने समय के लिए इशू हुए थे उसके पश्चात इनकी जो राशि है, इनकी अमाउंट है, वो इनको रिटर्न हो जाएगी, तो इनको हम रिडीमेबल कहते हैं। अगर मान लो प्रेफरेंस शेयर ऐसे हैं जिनकी अमाउंट कभी रिडीमेबल नहीं होगी, यानी कि जब तक कंपनी चलेगी तब तक रहेंगे, तो इनको रिडीमेबल कहते हैं। इंडिया में केवल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर क्या होते हैं? इक्विटी शेयर ही एक कंपनी के रियल शेयर होते हैं, रियल इक्विटी कैपिटल यही प्रोवाइड कराते हैं, और इन्हीं के जो होल्डर होते हैं उनको रियल ओनर बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 43 ऑफ कंपनीज एक्ट, इक्विटी शेयर इज ए शेयर विच इज नॉट ए प्रेफरेंस शेयर। कंपनीज एक्ट में ऐसे परिभाषित किया गया कि वह शेयर जो प्रेफरेंस ना हो उसको इक्विटी कहेंगे। वैसे आम भाषा में बताएं तो इक्विटी शेयर ऑर्डिनरी शेयर होते हैं, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण शेयर। यह वो शेयर होते हैं जो पूरा रिस्क बियर करते हैं कंपनी का, सबसे बाद में इनको प्रॉफिट होता है, मिलता है जब प्रॉफिट, जब बाकियों के सबके खर्चे पे हो जाते हैं, इवन प्रेफरेंस डिविडेंड भी दे दिया जाता है, लास्ट में कोई प्रॉफिट बचता है तो इनको मिलता है। अब इनको फायदा ये रहता है, नुकसान, इनको नुकसान ये रहता है कि अगर प्रॉफिट बचेगा तो मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। फायदा ये रहता है कि बाद में जो कुछ भी बचेगा वो इन्हीं के लिए होता है, यही रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर। अब बात आती है इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है जब शेयर इशू होते हैं। कोई कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसकी कैपिटल उसके प्रोमोटर्स के द्वारा आम पब्लिक से मांगी जाती है। आम पब्लिक में जो लोग शेयर खरीदना चाहें वो अप्लाई करते हैं। अब इसका प्रोसेस क्या है शेयर इशू करने का? सबसे पहले कोई कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन होता है आम पब्लिक को, जिसमें यह जानकारी रहती है कि हमारी कंपनी इतने शेयर इशू कर रही है, ये कीमत है, बाकी सारी टर्म एंड कंडीशन रहती है, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है उसकी भी जानकारी रहती है। जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनको अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा प्रोस्पेक्टस, वो अप्लाई करते हैं शेयर्स के लिए। जब अप्लाई करते हैं तो उसको कहा जाता है रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन। शेयर ये के लिए अप्लाई करते हैं, कंपनी के पास एप्लीकेशन आ जाती है, तो कंपनी अब इसके बाद देखती है कि एप्लीकेशन कितनी आई है। एप्लीकेशन जब आ जाती है, कंपनी डिसीजन लेती है उन लोगों को शेयर अलॉट करने का जिन लोगों ने अप्लाई किया, तो इसको अलॉटमेंट ऑफ शेयर कहते हैं। इससे रिलेटेड कुछ रूल्स हैं कि कंपनी हैज टू गेट मिनिमम सब्सक्रिप्शन विद इन 120 डेज। कंपनी को 120 दिन के अंदर, यानी कि जब कंपनी ने इशू किया प्रोस्पेक्टस और अपनी डेट बताई शेयर इशू की, उस दिन से 120 दिन के अंदर, डेट ऑफ द इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस के 120 दिन के अंदर अंदर कंपनी के पास मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्या होता है? सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन, यानी कि वो न्यूनतम संख्या, वो मिनिमम नंबर ऑफ एप्लीकेशन दैट मस्ट बी रिसीव्ड बाय द कंपनी, वो कंपनी के पास आवश्यक तौर पर आ जानी चाहिए। वो कितना है उसकी अभी बात करेंगे। अगर कंपनी इस मिनिमम सब्सक्रिप्शन में फेल हो जाती है प्राप्त करने में, तो कंपनी को ये पैसा वापस करना पड़ेगा, रिटर्न करना पड़ेगा विद इन 130 डेज ऑफ डेट ऑफ इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। मिनिमम सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन कैपिटल का वो अमाउंट है। आप पहले ये मैं बताऊं, कंपनीज एक्ट में जो कहा गया है तो वहां पे केवल इतना कहा गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन आवश्यक तौर पे मिल जाना चाहिए, लेकिन वहां ये नहीं बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, यानी कि न्यूनतम कितने से रुपए की एप्लीकेशन कंपनी के पास आ जानी चाहिए। लेकिन सेबी में, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया अपनी गाइडलाइंस में 2000 में कि 90% कम से कम आ जाना चाहिए। जैसे किसी कंपनी ने अगर मान लो 10 करोड़ रुपए के शेयर इशू किए, तो इसके पास कम से कम 9 करोड़ की एप्लीकेशन आ जानी चाहिए। अगर 9 करोड़ की भी नहीं आएंगी तो ये माना जाता है कि जिस कंपनी का प्रोजेक्ट 10 करोड़ रुपए का बन रहा था, वो उसके पास अगर मान लो 7 करोड़ या 8 करोड़ रुपए आते भी हैं तो ये प्रोजेक्ट को तो चला नहीं पाएगी। अल्टीमेटली जिन लोगों का ये 7-8 करोड़ रुपया है, ये भी डूबने का खतरा बना रहेगा। तो सेफ्टी और शेयर होल्डर्स की सिक्योरिटी को देखते हुए यह रूल बनाया गया कि कम से कम इनके पास 9 करोड़ रुपए तो आ ही जाने चाहिए। अब इसके बारे में रूल क्या है,
अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है, लेकिन 90% नहीं आता है, उससे कम आते हैं, तो कंपनी को रिफंड करना होगा एंटायर सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो कंपनी को मिला है। अगर इसमें कोई डिले होता है 8 दिन से ज़्यादा, यानी कि 8 दिन के अंदर वापस कर देना चाहिए, अगर इससे ज़्यादा डिले होता है तो जिस दिन सब्सक्रिप्शन लिस्ट क्लोज होती है कंपनी को, उस डिले के बाद का जो पीरियड होगा उसके लिए इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15% के रेट से। नेक्स्ट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका कैसे करते हैं शेयर इशू का, एप्लीकेशन के समय, यानी कि जब लोगों से एप्लीकेशन आती है तो उस समय कंपनी पहली एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कंपनी के बैंक में पैसा आ जाता है और कंपनी इस पैसे का जो कारण है वो बताती है, शेयर एप्लीकेशन से ये फंड आया है। इसमें एक कंडीशन है, कंपनीज एक्ट कहता है कि शेयर एप्लीकेशन मनी, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी था एचटेट 2020 में, एचटेट 2020 में एक क्वेश्चन आया था, उसमें दरअसल पूछा था कि मैक्सिमम कितना हो सकता है एप्लीकेशन मनी। तो देखो मैक्सिमम तो पूरा मंगा सकती है कंपनी, पूरा 100% मंगा सकती है। मिनिमम की कंडीशन है, मिनिमम की कंडीशन है कंपनीज एक्ट में, कंपनीज एक्ट में कहा गया है कि एटलीस्ट 5% होना चाहिए ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द शेयर, फेस वैल्यू का हो या इसको नॉमिनल वैल्यू भी कह सकते हैं। तो कम से कम 5% एप्लीकेशन मनी जरूर मंगाया जाना चाहिए। हालांकि सेबी के जो गाइडलाइंस हैं वो इस बारे में कहते हैं कि कम से कम 25% जरूर आ जाना चाहिए मिनिमम एप्लीकेशन। देखने में किसी को ऐसा लग सकता है कि सेबी ने क्या कंपनीज एक्ट का वायोलेशन किया, नहीं वायोलेशन नहीं किया, इसको और मजबूत कर दिया। कंपनीज एक्ट ने 5% कहा है, सेबी ने कहा कम से कम 25% आ जाना चाहिए, तो इसका मतलब हुआ कि कंपनी एप्लीकेशन पे कम से कम 25% जब मंगाएगी तो वो कंपनीज एक्ट का भी पालन कर रही है, क्योंकि 5% से ज़्यादा भी है ये 25%, और वो सेबी का भी पालन कर रही है क्योंकि वो 25% से भी ज़्यादा मंगा रही है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जब कंपनी ये एप्लीकेशन आने के बाद तय कर लेती है कि हमें किन लोगों को शेयर दे देने हैं, तो उसको कहते हैं अलॉटमेंट। अलॉटमेंट के समय पे ये एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की। अब ये एप्लीकेशन मनी जो टेम्परेरी हमने खोला था एक अकाउंट, इसको बंद कर दिया जाता है और ये पैसा शेयर कैपिटल अकाउंट में भेज दिया जाता है। इन दोनों एंट्रीज का फाइनल इंपैक्ट क्या पड़ा, शेयर एप्लीकेशन से शेयर एप्लीकेशन कैंसिल हो गया और अल्टीमेटली कंपनी के बैंक में पैसा आ गया और उधर कंपनी के ऊपर कैपिटल हो गई। आपको याद होगा इसी तरह की एंट्री सोल ट्रेड में भी होती है, पैसा मिल जाता है, संस्था के पास पैसा आ जाता है, बैंक या कैश बढ़ जाता है, दूसरी तरफ कैपिटल बढ़ जाती है। इसके बाद कभी कभी कुछ कारण ऐसे होते हैं कि जब रिफंड करना पड़ जाता है पैसा, यानी कि अगर हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, पैसा अगर वापस करना पड़ जाए, तो एंट्री होती है जो एप्लीकेशन आया था हमारे पास उसको शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये रिटर्न जब हम एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं तो पैसा रिफंड करने की एंट्री है। नेक्स्ट है फॉर एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस। कभी कभी ऐसा होता है कि इस केस को भी आगे डिस्कस करेंगे, ऐसा होता है कि कंपनी के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स की एप्लीकेशन आ जाती हैं जिसको हम ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी क्या करती है, जो पैसा एप्लीकेशन पे एक्सेस आता है उस एक्सेस मनी को, एप्लीकेशन पे जो एक्सेस पैसा आया उस एप्लीकेशन मनी को शेयर अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर सकती है यूज के लिए, कॉल्स एंड एडवांस पे ट्रांसफर कर सकती है। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो मैंने कंपनी से 100 शेयर मांगे, कंपनी के पास बहुत सारे लोगों ने ओवर सब्सक्राइब कर दिया, तो कंपनी ने सबको कहा कि भाई हम पूरा नहीं दे सकते, हम कुछ कम देंगे सबको। तो मैं अब एक शेयर होल्डर के लिहाज से बता रहा हूँ इसको और आसान करने के लिए, मान लो मैंने कंपनी से मांगे थे 100 शेयर, कंपनी ने कहा कि भाई 100 नहीं दे पाएंगे हम सबको कम दे रहे हैं तो आपको भी हम कम दे रहे हैं, इसलिए हम आपको केवल 10 शेयर दे रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैंने कंपनी को 100 शेयर पे 5 रुपये के रेट से एप्लीकेशन मनी यानी कि 500 रुपये भेजा था, तो कंपनी क्या करेगी, इस 500 रुपये को कैसे यूटिलाइज करेगी, कंपनी ने मेरे रिजेक्ट तो किए नहीं, अगर रिजेक्ट करती कंपनी तब तो सीधे सीधे वापस कर देती मेरा पैसा सारा, जब रिजेक्ट नहीं किए कंपनी ने तो मुझे 10 शेयर दे दिए, तो कंपनी क्या कहेगी कि आपको 10 शेयर मिल गए हैं, आपका 10 शेयर का पैसा यहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं हम एप्लीकेशन के समय पे, तो एप्लीकेशन के समय पे 10 शेयर का 50 रुपये केवल बनेगा, तो
ये तो मेरा शेयर एप्लीकेशन मनी चला गया कैपिटल में, जहां पे हमने एंट्री की थी एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल, तो ये तो कैपिटल में चला गया। इसके बाद मेरे बच गए 50 रुपए के बाद 450 रुपए। मैं कहूंगा इनका हिसाब कहाँ गया जी, तो वो कहेंगे कि आपको अलॉटमेंट पे भी कुछ पैसा देना था, तो अलॉटमेंट पे मान लो 2 रुपया देना था, तो बाकी 10 रुपए, 10 शेयर पे 2 रुपए के रेट से ये 20 रुपए मेरे इस 450 में से 20 रुपए अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर देंगे, ये कह करके कि देखो आपका एप्लीकेशन मनी जो 450 एडवांस आया था हमारे पास, उसमें से 20 रुपए हमने आपके अलॉटमेंट पर ट्रांसफर कर दिए, जब आपसे अलॉटमेंट मांगे तो मत देना, तो ये एडवांस अलॉटमेंट हो जाएगी मेरी और कंपनी के पास ही एडवांस पहुंच गई। फिर मान लो शेयर्स का जो कॉल्स है उन पे भी कुछ पैसा देना था, तो जो कॉल्स का पैसा है जैसे 5 एप्लीकेशन पे दे दिया 10 रुपए में से 2 अलॉटमेंट हो गया, तो इसका मतलब 3 रुपए और बचा, तो मैं ये मान लेता हूँ कि कॉल पे फाइनली 3 रुपए और देने हैं मुझे, तो कंपनी क्या करेगी 10 शेयर पे 3 रुपए के रेट से 30 रुपए कॉल से एडवांस के लिए रख लेगी कि भी आपकी कॉल हम एडवांस में रख लेते हैं, ये भी एडजस्ट हो गया। अब फाइनली जो पैसा मेरा फिर भी कुछ पैसा अगर बच जाता है, जैसे इसमें बच गया मेरा पैसा, नहीं बचता तो यहाँ पे एडजस्ट हो जाता, अगर इसके बाद भी बच जाता है तो वो रिफंड करना पड़ता है जिसकी एंट्री हम ऊपर भी अभी देख रहे थे, और उसके लिए यहाँ पे लिख दिया जाता है टू बैंक अकाउंट, और टू बैंक अकाउंट में हम लिख देंगे इसको 400 रुपीज। तो इस तरीके से एंट्री होती है। नेक्स्ट देखेंगे फॉर अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अब बाकी जो है जब अलॉट कर दिए जाते हैं शेयर, तो साथ ही साथ कंपनी क्या करती है अलॉटमेंट पे कुछ पैसा डिमांड करती है, उसको हम अलॉटमेंट मनी बोल देते हैं। अलॉटमेंट पे पैसा डिमांड करती है तो एंट्री करती है कंपनी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि पता है कि जो हमारा शेयर होल्डर है हम उसी से पैसा मांग रहे हैं, इसलिए उसकी कैपिटल हमने अभी बढ़ा दी और उससे कहा अब आप अलॉटमेंट ड्यू कर दो। ये जो अलॉटमेंट डेबिट हुआ है इससे ये अलॉटमेंट ड्यू हो गया है। जब पैसा दे देगा शेयर होल्डर तो हम एंट्री कर देंगे, कंपनी एंट्री कर देगी बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ही कैंसिल हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट। तो इस तरीके से बस अब इसी टाइप से एंट्रीज होंगी कॉल्स के केस में भी, हालांकि कॉल्स के कुछ रूल्स होते हैं इनको पढ़ लें। कंपनी जो कॉल करती है वो अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, जो कंपनी का एक तो महत्वपूर्ण प्रलेख होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पार्षद सीमा नियम, दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पार्षद अंतर नियम, ये कंपनी के अंदर के नियम होते हैं, तो इनमें लिखा रहता है कॉल्स वगैरह से रिलेटेड रूल्स। अगर मान लो किसी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन नहीं हो तो वो टेबल एफ अप्लाई कर सकती है, टेबल एफ जब अप्लाई होगा तो ये प्रोविजन लागू हो जाते हैं टेबल एफ के केस में। ए पीरियड ऑफ 1 month मस्ट एलाप्स बिटवीन 2 calls, 2 call अगर मंगाई जाए तो उनमें कम से कम 1 महीने का गैप जरूर रहना चाहिए। अमाउंट ऑफ कॉल, कॉल पे जो अमाउंट है वो 25% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए शेयर के फेस वैल्यू से कम 14 दिन का नोटिस देना चाहिए शेयर होल्डर्स को पैसा पे करने के लिए। कॉल यूनिफॉर्म बेसिस पर मंगाई जानी चाहिए, जो सेम क्लास के शेयर हैं, एक जैसे शेयर चाहे हमने किसी को भी दे रखे हो, किसी के साथ कोई बायसनेस नहीं हो, यूनिफॉर्म बेसिस पे सबसे एक साथ पैसा मंगाया जाए। इसके बाद जब कॉल ड्यू करते हैं तो इसकी एंट्री बिल्कुल अलॉटमेंट जैसे ही होती है, जैसे अलॉटमेंट पे बताई थी वही सारा प्रोसीजर है, शेयर कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, जब पैसा आ जाएगा तो एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट, जो पैसा रिसीव्ड होता है ये उसकी एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। कॉल सिनेरियो, अगर कोई शेयर होल्डर कॉल नहीं दे पाता है कोई, तो जो कॉल उसने नहीं दिया उसको कहते हैं कॉल सिनेरियो, बचे हुए कॉल, बचे हुए कॉल को अनपेड कॉल भी कहते हैं। जो अनपेड कॉल रहते हैं बाद में हो सकता है शेयर होल्डर पे कर दे, अगर शेयर होल्डर बाद में पे करता है तो कंपनी उससे ब्याज मांग सकती है, ब्याज जो मांगा जाएगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के कंडीशन के अकॉर्डिंग मांगा जाएगा, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कहेंगे। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये नहीं बताया है कि ब्याज कितना लेना है तो उसके बारे में टेबल एफ में जो रेट दिया गया है वो अप्लाई हो जाएगा, और टेबल एफ का रेट है नॉट एक्सीडिंग 10% पर एनम, यानी कि डायरेक्टर डिसाइड करेंगे कि कितना रेट लेना है एरियर्स पे, लेकिन ये 10% से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। नेक्स्ट है कॉल सिनेरियो की जो एंट्री होगी, जब कोई कॉल नहीं आएगी जिस भी कॉल पे तो उसकी एंट्री होती है कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर कॉल अकाउंट। इसको ऐसे समझें जैसे मान लो फर्स्ट कॉल का पैसा अगर कोई दे देता तो हम एंट्री करते बैंक डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, जब अगर किसी ने नहीं दी तो हमको उसको कॉल सिनेरियो में अगर ट्रांसफर करना है तो एंट्री करेंगे कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। बाद में अगर ये पैसा आ जाता है कॉल सिनेरियो का, तो जब पैसा आएगा तब एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल सिनेरियो, जितना पैसा एरियर का था वो यहां लिखा जाएगा, और जो ब्याज मंगाया जाएगा उसके लिए एंट्री होगी टू इंटरेस्ट ऑन कॉल सिनेरियो। मान लो 10 रुपये हमारे किसी पे 500 रुपये एरियर के थे,
तो जब 500 रुपये एरियर के आए उनकी एंट्री, प्लस मान लीजिए इन पर 50 रुपये हमने ब्याज भी ले लिया, तो 550 रुपये आने की एंट्री हो जाएगी। इस तरीके से इसकी एंट्री होगी। नेक्स्ट देखेंगे कॉल्स एंड एडवांस। अब कॉल्स एंड एडवांस कॉल्स एंड एरियर के एकदम विपरीत होता है। कुछ शेयर होल्डर ऐसे होते हैं जो समय से पैसा दे देते हैं, जल्दी पैसा दे देते हैं, समय से पहले पैसा दे देते हैं। जैसे किसी ने फर्स्ट कॉल का पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया, तो इसको कॉल्स एंड एडवांस कहते हैं। कॉल्स एंड एडवांस जब आ जाता है किसी शेयर होल्डर का, तो उस पर कंपनी ब्याज दे सकती है अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रेट नहीं दिया है, तो टेबल एफ में रेट दिया है इसका, कॉल्स एंड एडवांस पे कोई कंपनी ज्यादा से ज्यादा 12% दे सकती है। यानी कि ये रेट में लिखा है नॉट एक्सीडिंग, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम दे सकते हैं वो डायरेक्टर्स मीटिंग में तय कर सकते हैं। कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट जो होता है, जब तक ये पैसा एडवांस रहेगा कंपनी के पास, तो ये कंपनी के पास एक करंट लाइबिलिटी है, और इसको कंपनी की बैलेंस शीट में इक्विटीज एंड लाइबिलिटी पार्ट जो होता है उसमें करंट लाइबिलिटीज हेडिंग में और अदर करंट लाइबिलिटी सब हेडिंग में दिखाया जाएगा। कॉल्स एंड एडवांस की जर्नल एंट्री जो बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स एंड एडवांस, इस तरीके से एंट्री होगी जब कॉल्स एंड एडवांस का पैसा मिलता है। और बाद में जब कोई कॉल का समय आएगा, तो उस समय पे एंट्री की जाती है कॉल्स एंड एडवांस डेबिट टू पर्टिकुलर कॉल अकाउंट, यानी कि उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। कॉल्स एंड एडवांस पे अगर कोई इंटरेस्ट कंपनी पे कर रही है, तो कंपनी एंट्री करेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट शेयर होल्डर्स को, जब इंटरेस्ट की पेमेंट की जाएगी कॉल्स एंड एडवांस की। ऐसा संभव हो सकता है कि कंपनी मान लीजिए केवल 4000 शेयर इशू करें, कंपनी की जो इच्छा है मान लो वो केवल 4000 शेयर बेचने की है। अब आम पब्लिक जो अप्लाई करेगी, तो कोई भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। अगर कंपनी का इशू लोगों को अच्छा लगा, मार्केट का अच्छा रिएक्शन आया, तो 4000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ सकती हैं। हमारे पास 10000 एप्लीकेशन आ सकती हैं, हमारे पास 20000 एप्लीकेशन आ सकती हैं। 4000 से ज्यादा अगर एप्लीकेशन आती हैं, तो इसको कहा जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन, यानी कि सब्सक्रिप्शन ज्यादा हो गया। सब्सक्रिप्शन मतलब एप्लीकेशन। इसके अलावा एक सिचुएशन हो सकती है कि हमने 4000 शेयर इशू करें और हो सकता है आम पब्लिक से 4000 की ही एप्लीकेशन आए, इसको कहा जाता है फुल सब्सक्रिप्शन। लेकिन ये जो सिचुएशन होती है ये बहुत रेयर होती है, ऐसा संभव ही नहीं है मार्केट में जितने हम इशू करें उतने ही आए। हाँ, केवल एक सिचुएशन हो सकती है, अगर हम पहले से आइडेंटिफाइड जो ग्रुप होते हैं केवल उनको बातचीत करके शेयर इशू करते हैं, तब ये संभव है। आम पब्लिक को हम सब्सक्रिप्शन करेंगे, पब्लिक सब्सक्रिप्शन अगर करेंगे तो ये संभव नहीं है। या तो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती हैं, या जितना हम इशू करते हैं उससे भी कम आती हैं, ये भी संभव हो सकता है। हमने 4000 के लिए लोगों को इनवाइट किया, मतलब हमने 4000 शेयर के लिए इशू किए, लेकिन आम पब्लिक से हो सकता है 3000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन आए, यानी कि ये जो सब्सक्रिप्शन है ये लो हो जाए, और इस सिचुएशन को अंडर सब्सक्रिप्शन कह सकते हैं। तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स देयर विल बी थ्री सिचुएशंस, देयर में बी फर्स्ट सिचुएशन ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन और फुल सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन। सो एट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ओवर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन होगा तो एक समस्या होती है कंपनी के सामने कि कंपनी तो ने तो इशू किए 4000, इसका मतलब हम 4000 शेयर ही लोगों को बेचना चाहते थे, लेकिन लोगों ने मांग लिया 10000। अब हमारे सामने समस्या है कि हम किसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करें और किसकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट करें। तो इसमें तीन सिचुएशन हमारे सामने बन सकती हैं, हम तीन तरीके से अलॉट कर सकते हैं इन शेयर्स को। पहला, फुल अलॉटमेंट टू सम, कुछ लोगों को हम फुल अलॉट कर दें। जैसे मान लो 10000 एप्लीकेशन आई, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि जो 10000 हमारे पास एप्लीकेशन आई, इस 10000 में से हम एक सिचुएशन ये बना सकते हैं, पहला केस ये बना सकते हैं कि इस 10000 में से हम 4000 को 4000 दे दें, फुल कर दें, और बाकी जो बचे, बाकी बचे 6000, उनकी एप्लीकेशन हम रिजेक्ट कर दें। तो जिनको हम फुल अलॉट कर देंगे उनका पैसा हम यूज करेंगे,
और जो 6,000 की एप्लीकेशन हम रिजेक्ट करेंगे, इनका पैसा हम वापस करेंगे, यानी कि रिफंड करेंगे। ये एक केस हो सकता है। एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू ऑल एप्लीकेंट्स, इसको प्रोराटा भी कहा जाता है। जब प्रोराटा या प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट किया जाए सभी एप्लीकेंट्स को, यानी कि कंपनी कहती है कि भी किसी के साथ हम इनजस्टिस नहीं करें, जिन लोगों ने मांगे हैं हम सभी के साथ समान व्यवहार करें, लोगों ने 10,000 शेयर की एप्लीकेशन भेजी हैं तो हम 4,000 शेयर इनको बांट देंगे आपस में, एक निश्चित अनुपात में बांट देंगे। तो इसका अनुपात बन जाएगा, रेशियो बन जाएगा। हम क्या करेंगे कि जिन्होंने ये जो 4,000 शेयर हमें बेचने हैं ये हम किनको देंगे, ये हम 10,000 शेयर्स में बांट देंगे, 10,000 एप्लीकेशन में बांट देंगे। कहने का मतलब हुआ कि एक रेशियो निकालेंगे कि जिस पर्सन ने 10 शेयर मांगे उसको हम 4 देंगे, इसका रेशियो बन जाएगा। जिसने 10 मांगे उसको हम 4 देंगे, जिसने 5 मांगे उसको हम 2 देंगे, जिसने 20 मांगे उसको हम 8 देंगे। तो इसी तरीके से इस प्रोपोर्शन में देंगे तो किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सब लोग खुश हो जाएंगे कि ठीक है भाई, कंपनी की मजबूरी थी, हमने मांगे, कंपनी ने हमें दिया जरूर। तो कुछ कुछ कम शेयर कंपनी सबको दे देगी। ये एक न्यायोचित तरीका माना जाता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इसको बोलते हैं। थर्ड सिचुएशन बन सकती है कि फुल अलॉटमेंट टू सम, कुछ लोगों को फुल अलॉटमेंट कर दें, पूरा शेयर दे दें। प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट टू सम, कुछ को हम प्रोपोर्शनेट दे दें। एंड रिजेक्ट अदर्स एप्लीकेशन, और बाकियों की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। जैसे मान लो हमारे पास 10,000 शेयर की एप्लीकेशन आई, तो तीसरी सिचुएशन में हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 10,000 में से जो टोटल 10,000 है इसका हम हिसाब बताते हैं, इनको हमें 4,000 देने हैं, 4,000। तो हमने एक हिसाब बनाया कि भी जिन्होंने हमसे 2,000 मांगे, 2,000, उनको हम 2,000 दे देते हैं। अब ये अलग सिस्टम होता है, उस पर हम डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। इसका क्राइटेरिया तय किया जाता है, कई कारण होते हैं कि किसने कितने शेयर मांगे हैं, कितना बड़ा लॉट मांगा है, उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। तो जिनको जिन्होंने 2,000 मांगे उनको हम 2,000 दे देते हैं। फिर एक कैटेगरी हमने ढूंढी कि इन लोगों ने 4,000 मांगे, इनको हम 2,000 दे देते हैं। ऐसा करके हमने 4,000 शेयर अपने अलॉट कर दिए। कितने लोगों को अलॉट कर दिए, कितने शेयर के अप्लायर्स को, कितने शेयर के एप्लीकेंट को अलॉट कर दिए, ये हमने 6,000 के जो एप्लीकेंट थे उनको दे दिए। अब 10 में से 2 वालों को 2 दे दिए, 10 में से 4 वालों को फिर 2 दे दिए। इस तरह हमारे सारे शेयर अलॉट हो गए जो 4,000 अलॉट होने थे। हमारे पास अब एप्लीकेशन बच गई कितने की, 2 और 4 6 हो गए, 4,000 की एप्लीकेशन बच गई 3,000 की। इनको हमने लेटर्स ऑफ रिग्रेट भेज दिए, खेद पत्र भेज दिया कि भी सॉरी हम आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाए हैं। तो जब नहीं कर पाए हैं तो इनका पैसा हमको रिफंड करना होगा, यानी कि इनका पैसा हमको वापस करना होगा। तो ये तीन सिचुएशन बन सकती हैं। अब इनकी एंट्री कैसे होती है, मैं यहीं पे इनका एक यूटिलाइजेशन पैसे का बताने की कोशिश करता हूं, फिर एंट्री में भी हम डिस्कस करेंगे। 2,000 वालों को हमने 2,000 दे दिए। इन 2,000 वालों ने जितना एप्लीकेशन पर पैसा भेजा होगा उनका एप्लीकेशन मनी हम पूरा का पूरा यूज कर लेंगे, क्योंकि पूरे शेयर उनको दे दिए। जिन्होंने 4,000 की एप्लीकेशन भेजी थी उनको हमने 2,000 दिए। तो जिन्होंने 4,000 की एप्लीकेशन भेजी थी उन्होंने एप्लीकेशन मनी 4,000 शेयर का दिया, लेकिन हमने इनको 2,000 शेयर दिए। तो हम कहेंगे कि भी तुम्हारा तो डबल पैसा आ गया। तो एप्लीकेशन पे इन्होंने जो पैसा दिया 4,000 शेयर का, हम कहेंगे कि इस 4,000 में से 2,000 आपको हमने दे दिए, तो जो 2,000 शेयर का पैसा है वो तो हम कैपिटल पे ट्रांसफर कर देंगे सीधा। बाकी इनका जो एक्सेस मनी बच जाएगा, जो एक्सेस 2,000 शेयर है, उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास आपका एडवांस पैसा आ गया है। और अगर हमको इनसे अभी अलॉटमेंट मंगानी है, फर्स्ट कॉल मंगाना है, तो हम इनको बोल सकते हैं कि आपका जो एडवांस पैसा आ गया है इसको ऐसा करो, हम कंपनी के पास ही रखे रहने देते हैं, और जब आपसे हम अलॉटमेंट मंगाएंगे तो आप अलॉटमेंट में मत देना, हम इसी पैसे में से एडजस्ट कर लेंगे। अगर फिर भी पैसा बच जाएगा आपका तो हम आपके कॉल्स पे एडजस्ट कर लेंगे, उसको हम कॉल्स एंड एडवांस आज से ही लिख देते हैं, कॉल्स एंड एडवांस, यानी कि हम ये मान लेते हैं एडवांस में कॉल आ गई। हाँ, मान लो उसके बाद भी आपका पैसा बच रहा है तो उसको हम रिफंड कर देंगे। तो ये तरीका होता है। इसके बाद रह गया जिन 4,000 को हमने एक भी शेयर नहीं दिया, उनका पूरा का पूरा पैसा हमको वापस ही करना पड़ेगा। ये और क्लियर हो जाएगा अभी हम जब इनकी एंट्रीज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एंट्री डिस्कस करते हैं, पहला अल्टरनेटिव। जब हम पहले वाला अल्टरनेटिव अपनाएं
पहले वाला अल्टरनेटिव क्या था? पहले वाला अल्टरनेटिव हमारा था कि हम जो 10,000 एप्लीकेशन आई उनमें से हमने 4,000 को तो 4,000 दे दिया और 6,000 वालों का रिजेक्ट कर दिया, इनको कुछ नहीं दिया, निल दिया। तो इस केस में क्या करेंगे, जब पैसा आएगा तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। जैसे मान लो 10,000 एप्लीकेशन हमारे पास आई तो 10,000 एप्लीकेशन पे मान लो एप्लीकेशन मनी हमने मंगाया था 2 रुपए, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 20,000 रुपए, तो 20,000 से हो जाएगी टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। इस तरीके से एंट्री बन जाएगी। अब हम सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अच्छा ये भी ध्यान रखें कि ये जो सेकेंड एंट्री होती है ये उस दिन होती है जिस दिन हम अलॉट करने का डिसीजन लेते हैं, यानी कि जब हम तय कर लेते हैं किसको शेयर देना है और किसका पैसा वापस करना है। तो हम क्या करेंगे, शेयर एप्लीकेशन मनी कितना था हमारे पास 20,000, इस शेयर एप्लीकेशन मनी को डेबिट करेंगे और ये जो एप्लीकेशन अकाउंट हमने खोला था, ओपन किया था एप्लीकेशन आने पे, इसको आज हम क्लोज कर देंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 20,000 से, टू शेयर कैपिटल में जाएगा उतना पैसा जिनको हमने शेयर दिए। तो हमने 4,000 शेयर देने थे, वही 4,000 हमने दिए, 4,000 पर 2 रुपए जो आया था उनका उसको हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट में। बाकियों को क्योंकि हमने कुछ दिया नहीं तो जो बाकी 6,000 हैं उनका 2 रुपए के रेट से हम 12,000 रुपया वापस कर देंगे, यानी कि रिफंड कर देंगे। जब रिफंड करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। ये हो गई एंट्री। बाकी एंट्री आगे होंगी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की, तो लेकिन ये पहली एंट्री में हम खाली ये बता रहे हैं कि एक्सेस जो होता है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं एक्सेस मनी को। तो यहाँ पे क्योंकि हमने शेयर दिए ही नहीं तो उनका जो एक्सेस पैसा था वो हमें वापस लौटाना ही पड़ता, हर हाल में वापस लौटा दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट केस में क्या एंट्री हो सकती है, सेकेंड अल्टरनेटिव। सेकेंड अल्टरनेटिव हमने बताया था कि जब हम सभी को दें और प्रोपोर्शनेट दें, यानी कि जिन्होंने 10,000 मांगे थे उन सबको हम एक रेशो निकाल करके 4,000 शेयर दे दें, किसी का हम एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, किसी का जब रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट जितना एप्लीकेशन पे आया। तो एप्लीकेशन पे तो कितना आया, एप्लीकेशन पे तो 10,000 शेयर की एप्लीकेशन है 2 रुपए के रेट से, वही 20,000 आया, तो एंट्री हो गई 20,000 बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 20,000। नेक्स्ट देखेंगे शेयर एप्लीकेशन डेबिट। अब शेयर एप्लीकेशन डेबिट ये 20,000 था, इसको हम आगे ले आएंगे। इसके बाद देखेंगे टू शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो देखो उतने ही शेयर की बनेगी जितने हमने इशू किए थे, 4,000 इशू किए थे, 2 रुपए एप्लीकेशन पे मंगाए हमने, अगर ये ज़ूम कर रखा है हमने 2 रुपए मंगाए एप्लीकेशन पे, तो 8,000 रुपए से तो कैपिटल बन जाएगी। अब बात आती है कि जो एक्सेस कितना बच गया, तो हमें पता है कि एप्लीकेशन हमारे पास 10,000 आई थी, हमने 4,000 शेयर ही अलॉट किए, तो बाकी 6,000 शेयर का हमारे पास पैसा बच गया। जो 6,000 शेयर का हमारे पास पैसा बच गया है 2 रुपए के रेट से, वो बनता है 12,000। अब हमको ये पता है कि हमने इस बार किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट तो की नहीं, हमने तो सबको दिए, हाँ हमने ये रेशो बना दिया था जिसने 10 मांगे उसको हमने 4 दिए, ये एक रेशो हमने बनाया था। तो इसका मतलब ये है कि जिसने 10 मांगे थे उसको हमने 4 दिए, इसी का 6 शेयर का पैसा हमारे पास बचा हुआ है, और जो सारे शेयर होल्डर हैं 6,000 उनका 12,000 हमारे पास बचा हुआ है। इस 12,000 को बोलते हैं एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे आधिक्य की राशि, तो ये एक्सेस है। अब हमें पता है कि ये हमारे शेयर होल्डर तो बन गए, ये शेयर होल्डर तो बन गए, तो हमको ये हम इनको ये कह सकते हैं कि देखो आपको जो शेयर मिले हैं अब आपसे हम अलॉटमेंट पे पैसा मंगाएंगे, कुछ पैसा कॉल्स एंड एडवांस पे मंगाएंगे, जब मंगाएंगे तब हम इसको एडजस्ट कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन में अगर कहा गया है कि इसको एडजस्ट करना है तो एडजस्ट करेंगे, जिस पे एडजस्टमेंट करना है अलॉटमेंट पे कॉल एडवांस पे करेंगे, अगर क्वेश्चन में स्पष्ट मना किया है कि कहीं भी एडजस्ट नहीं करना है तो कहीं भी नहीं करेंगे, और अगर कुछ भी नहीं कहा गया है कि एडजस्ट करना है या नहीं करना है तो जनरल रूल ये तो ये होता है कि अलॉटमेंट पे तो एडजस्ट कर लेते हैं, जो अलॉटमेंट पे पैसा आएगा उसका पैसा एडवांस काट लेते हैं इसमें से और बाकी पैसे को रिफंड कर देते हैं। खैर हम लेके चलते हैं ये मान के कि एडजस्टमेंट वो लास्ट तक करने को तैयार हैं, तो उसमें सारी एंट्री कवर हो जाएंगी। तो हम देखेंगे कि अलॉटमेंट पे कितना इसमें से रख सकते हैं, एक्सेस मनी था 12,000, अब 12,000 एक्सेस था, तो इन्होंने कहा शेयर होल्डर से कि देखो आपने 4,000 शेयर लिए थे, एप्लीकेशन के 2 रुपया तो हमने एडजस्ट कर दिया एप्लीकेशन के समय पर, अब आपसे हम अलॉटमेंट मंगाते। मान लो अलॉटमेंट इनको मंगानी थी 3 रुपए पर शेयर, तो हम कहेंगे कि इनको कि आपके पास 4,000 शेयर थे
तो 3 पर 12,000 रुपए तो आपको अलॉटमेंट ही देना है, तो क्योंकि इनको 12,000 अलॉटमेंट देना है और इनका जो एक्सेस मनी है वो भी कितना है हमारे पास, 12,000 है, तो इसलिए इनका जो एक्सेस मनी है वो हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अब इनको अलॉटमेंट पे पैसा देने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो ये बाई चांस पूरा हो गया। अगर मान लो अलॉटमेंट पे 2 ही रुपए मंगाने होते तो हम यहाँ अलॉटमेंट पे केवल 8,000 रुपए ही एडजस्ट कर पाते। अगर अलॉटमेंट मनी 2 रुपए होता तो अलॉटमेंट पे हम केवल 8,000 रुपए एडजस्ट कर पाते और 4,000 और बच जाता। अब जो 4,000 और बच जाता उसको हम फिर कॉल्स पे ले जा सकते थे। हम उनसे कहते कि देखो एप्लीकेशन के 2 रुपए आपने दे दिए, अलॉटमेंट के भी 2 रुपए दे दिए, अभी तक आपने 4 रुपए दिए, अब बच गए 6 रुपए, ये हम कॉल्स पे मंगाएंगे, फर्स्ट कॉल पे, सेकंड कॉल पे, थर्ड कॉल पे, जितनी भी कॉल बनाएंगे हम, तो उन कॉल पे हम 6 रुपए मंगाएंगे। अब 4,000 पे हम 6 रुपए मंगाएंगे, 4,000 शेयर तो हमने दिए ही है उनको, तो 4 पे हम 6 यानी कि 24,000 रुपए मंगाने हैं। और एडवांस उनके पास हमारे पास कंपनी के पास उनका कितना बच रहा है, 12,000 में से 8,000 तो अलॉटमेंट पे यूज हुआ तो केवल 4,000 ही बच रहा है। तो कॉल्स एंड एडवांस पे तो 24,000 आना ही है, हमें पता है कॉल्स पे, तो आज हम 4,000 रुपये पूरा का पूरा एडवांस पे रख सकते हैं। और इस केस में अब जो एक्सेस पैसा इसके बाद भी बच जाएगा वो हमको हर हाल में रिफंड करना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ पे एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट। जो एक्सेस पैसा अभी भी बच जाएगा, जैसे 24 में से मान लो कि 4,000 यहाँ यूज कर लिया, उसके बाद भी अगर बच जाता है, नहीं 24 नहीं था, इनका पैसा था एक्सेस 12,000, 12 में से हमने 8 यूज यहाँ किया था, ये मैं 24 टोटल था उसको काउंट कर लिया, 24 तो हमको मंगाना है। तो यहाँ पे ध्यान दें, जो एक्सेस मनी था वो हमारे पास 12,000 था, 12 में से 8 अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर लिया, और उसके बाद 4 बचा था, वो 4 हमने कॉल्स एंड एडवांस पे एडजस्ट कर लिया, तो रिफंड के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। अगर मान लो ऐसा केस होता और भी पैसा इनका बचा होता इसके बाद भी, तो फिर उसको रिफंड कर दिया जाता है, ये रूल है। आगे बढ़ते हैं, इस केस में था ही नहीं रिफंड, इसमें तो और भी अभी 20,000 एडजस्ट हो सकता था क्योंकि 24,000 चाहिए एडवांस में। तो इसी तरीके से एंट्रीज कर सकते हैं इस केस में। तीसरा अल्टरनेटिव की बात करते हैं। तीसरा अल्टरनेटिव है कि जब हम इन लोगों को तीसरा अल्टरनेटिव अपनाएं, तीसरा हमने बताया था कि 10,000 जिन्होंने मांगे हमने उनको इस तरीके से दिए कि जिन्होंने 2 मांगे उनको हमने 2,000 दे दिए, जिन्होंने 4,000 मांगे उनको हमने 2,000 दे दिए, और बाकी जो बच गए 4,000 उनको हमने कुछ नहीं दिया यानी कि निल दिया, ये 1,000 में लिख रहा हूं मैं अमाउंट। अब तीसरे अल्टरनेटिव पे कैसे एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, तो बैंक अकाउंट डेबिट तो उतना ही यानी कि 10,000 पे 2 रुपए के रेट से 20,000 रुपये आना है एप्लीकेशन, तो वही आना है क्योंकि सभी लोग देंगे, तो शेयर एप्लीकेशन पे हम लिख देंगे 20,000। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन डेबिट, शेयर एप्लीकेशन में लिख देंगे 20,000 टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में चला जाएगा वही 4,000 शेयर पे 2 रुपए के रेट से, ये चला जाएगा 8,000। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट पे कितना भेज सकते हैं, अब ये यहां देखने से पता चलेगा, इसमें ध्यान से देखें कि देखो जिनका पैसा है वो उन्हीं के काम आएगा जिनका एक्सेस बचेगा, तो इनका तो कोई एक्सेस बचा ही नहीं, इन्होंने 2,000 मांगे थे, 2,000 इनको मिल गए, इनकी कहानी खत्म। हाँ, इनका बचेगा, कितना बचेगा, इन्होंने 4,000 मांगे थे हमने इनको 2,000 दिए, इसका हिसाब यहाँ पे नीचे कर लिया जाता है। 4,000 इन्होंने मांगे तो एप्लीकेशन पे 2 रुपए का रेट था, तो टोटल आज 8,000 इन्होंने जमा किए होंगे, हमने कहा कि आपको 2,000 शेयर दिए, तो हमने 2,000 पर 2 रुपए के रेट से 4,000 इनका कैपिटल बना, वो हमने एप्लीकेशन पे कैपिटल में भेज दिया। अब इनका एक्सेस बच गया 4,000, वो हम इनके अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हैं। तो हमने इनको कहा कि तुम्हारा 4,000 बच गया है, उसको हम अलॉटमेंट पे यूज कर लेते हैं, तो इनका 4,000 हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया। अब इसके बाद और कुछ तो इनका बचा ही नहीं, इनका यही 4,000 बच रहा था, ये हमने अलॉटमेंट पे यूज कर लिया, तो कॉल्स एंड एडवांस पे तो मामला पहुंचा ही नहीं। अब आ जाती है इनकी बारी, जिनको हमने कुछ नहीं दिया, ये थे 4,000, तो 4,000 शेयर जिन्होंने मांगे थे उनको हमने कुछ नहीं दिया, तो इनका पैसा हर हाल में वापस ही करना पड़ेगा। तो 4,000 पर 2 रुपए के रेट से 8,000 इन्होंने दिया होगा, वो 8,000 रुपए हम टू बैंक अकाउंट कर देंगे, तो ये रिफंड हो जाएगा। इस तरीके से ये एंट्रीज हो सकती हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन वो सिचुएशन होती है जब हमने तो शेयर इशू किए मान लो 4,000 और लोगों ने हमसे मांगे केवल 3,000, तो 3,000 मांगे, तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है। अब यहाँ पे एक कंडीशन होती है हालांकि कि अंडर सब्सक्रिप्शन की एक लिमिट होती है कि एटलीस्ट मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो होना ही चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन होता क्या है, कंपनीज एक्ट कहता है
कि कम से कम एक न्यूनतम राशि तो मिल ही जानी चाहिए जब हम शेयर इशू करते हैं। अगर उससे भी कम एप्लीकेशन आती हैं तो जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी और जो मनी आया है कंपनी के पास वो रिटर्न कर देना चाहिए। उसका कारण ये होता है कि जैसे मान लो कोई कंपनी जब इशू करती है शेयर, 4,000 शेयर इशू किए मान लो इन्होंने, एक शेयर की कीमत थी 10 रुपये, फुल प्राइस की बात कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब इस कंपनी का जो प्रोजेक्ट बन रहा था वो 40,000 रुपये का था। अब अगर मान लो इनके पास केवल आधे ही शेयर आते तो इनके पास केवल 20,000 रुपये आते, तो 20,000 रुपये में क्या ये बिजनेस कर पाएंगे? 20,000 में नहीं कर पाएंगे, तो 20,000 में नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अब जिन लोगों ने 20,000 दिए हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कम बजट होने की वजह से इनका प्रोजेक्ट फेल हो जाए और इन बेचारों को पैसा डूब जाए जिन्होंने शेयर खरीद लिए थे। तो इसलिए एक्ट में प्रावधान किया गया है कि अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन से भी कम राशि आती है कंपनी के पास तो कंपनी को अपना जो प्रोजेक्ट है वो कैंसिल करना चाहिए और जो पैसे जिनके आ गए हैं, कम जो पैसे आए हैं उनको वो उनके पैसे एज इट इज वापस कर देने चाहिए। अब कंपनीज एक्ट में क्या है कि ये तो कहा गया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, लेकिन कंपनीज एक्ट में ये नहीं बताया कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन की लिमिट क्या होगी, कम से कम कितना आना चाहिए। तो इसको क्लियर किया सेबी ने, सेबी ने, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने, जो कि रेगुलेटर है शेयर मार्केट का। इसने कहा कि एटलीस्ट 90% एप्लीकेशन आ जानी चाहिए, यानी कि ये जो 4,000 इशू किए कम से कम इनकी 90% एप्लीकेशन आनी चाहिए। तो अगर 90% कितनी हो गई की हो गई 3,600, तो कम से कम 3,600 एप्लीकेशन तो आनी चाहिए थी इतने शेयर्स की, तो लेकिन इतने की भी नहीं आई, 3,000 की आई, तो ये तो इशू ही कैंसल हो जाएगा। पहला केस। दूसरा केस, मान लो 3,600 आ जाती हैं या 3,700 आ जाती हैं, 3,800 आ जाती हैं, तो कोई केस में प्रॉब्लम नहीं है, 90% से ऊपर आ गई है और इनकी एंट्री एकदम नॉर्मल तरीके से होगी जैसे फुल सब्सक्रिप्शन की होती है। हाँ, उसमें यह रहेगा कि जैसे मान लो अगर एप्लीकेशन ही आई हमारे पास 3,600 की, तो 90% की लिमिट पूरी हो गई, यानी कि कंपनी अपने इशू को आगे बढ़ाएगी, मतलब अलॉट करेगी, लोगों को शेयर मिलेंगे, लोग पैसा देंगे। हाँ, जितनी भी एंट्री होंगी वो 3,600 से होंगी, बस 4,000 से कुछ नहीं होगा। कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी आएगा 2 रुपए से, वो भी 3,600 पे आएगा, 7,200 रुपीज का। आगे जो एंट्रीज होंगी अलॉटमेंट पे मंगाएंगे वो भी 3,600 पे ही मंगाएंगे, इतने पे ही आएगा, फर्स्ट कॉल भी इतने पे ही मंगाएंगे, इतने पे ही आएगा। तो ये सिंपल केस हो जाता है। आगे बात करते हैं कि जब शेयर इशू होते हैं, कोई कंपनी शेयर इशू करती है तो शेयर इशू हो सकते हैं एट पार पे हो सकते हैं, एट प्रीमियम पे हो सकते हैं और एट डिस्काउंट पे हो सकते हैं। अब नया जो कंपनीज एक्ट है वो अलाउ नहीं करता है कि कोई कंपनी डिस्काउंट पे शेयर इशू करे, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहीं नहीं गया है, ये कॉन्सेप्ट है। डिस्काउंट पे इशू हो सकता है, आने वाले किसी एक्ट में कुछ चेंज हो जाए, अन्य देशों में होते होंगे तो हमको जानकारी होनी चाहिए, पहले होते थे, आज की डेट में नहीं होते हैं डिस्काउंट पे इशू। डिस्काउंट का मतलब है कि 10 रुपये का शेयर कंपनी 8 रुपये में इशू कर दे, तो अभी ओरिजिनली ये इशू नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थिति होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, जैसे स्वैट इक्विटी शेयर हो गए या रीशू हो गया, उन केसेस में ये संभव है। बाकी जनरली कोई कंपनी दो तरीके से शेयर इशू कर सकती है, एट पार पे, यानी कि 10 रुपये का शेयर 10 रुपये में बेच लो, और दूसरा केस होता है एट प्रीमियम पे, यानी कि 10 रुपये का शेयर आप 12 रुपये में बेच लो, आप 20 रुपये में बेच लो, आप 50 रुपये में बेच लो, कितने रुपये में भी आप बेच सकते हैं, जैसी आपकी कंपनी की इमेज है, गुडविल है, अगर लोग पैसा देने को तैयार हैं तो आप फालतू में बेच सकते हो, ये प्रीमियम पे इशू कहलाता है। जब प्रीमियम पे इशू होता है तो एंट्री कैसे करते हैं? जब प्रीमियम पे इशू किए जाते हैं शेयर तो जो प्रीमियम का पैसा आता है उसको अलग से एक अकाउंट में रखा जाता है और उस अकाउंट को कहते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बोलते हैं दरअसल, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में पैसा चला जाता है। तो अगर 10 रुपये का शेयर मान लो, 10 रुपये का शेयर अगर हमने 12 रुपये में इशू किया तो 10 रुपये तो शेयर कैपिटल बनेगी और 2 रुपये सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व बन जाएगा। और सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व दिखाया जाता है जैसे शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल हेडिंग में दिखाई जाएगी बैलेंस शीट में, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो होता है ये एक रिजर्व होता है और ये कैपिटल रिजर्व होता है, ध्यान रखें, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम पे, प्रीमियम का पे जो पैसा मिल रहा है ये कैपिटल गेन है कंपनी के लिए, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाता है। ये दिखाया जाता है रिजर्व एंड सरप्लस नाम की एक हेडिंग होती है,
इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज पार्ट ऑफ द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है उसमें दो पार्ट होते हैं, इक्विटीज एंड लाइबिलिटी पार्ट और दूसरा एसेट पार्ट। तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी पार्ट में आता है और हेडिंग का नाम है रिजर्व्स एंड सरप्लस। नेक्स्ट है, अब सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा अगर कंपनी के पास आ जाता है तो क्योंकि ये कैपिटल रिजर्व है, पूंजीगत संचय है, तो इसका जो यूज है वो रिस्ट्रिक्टेड है, वो इन कामों में ही खर्च हो सकता है, बाकी कामों में खर्च नहीं हो सकता, ये कंपनीज एक्ट में कहा गया है। तो कंपनीज एक्ट में बताया गया है कि आप ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा है इसको कहाँ कहाँ इशू कर सकते हैं, सॉरी यूज कर सकते हैं। तो इसको रिजर्व के पैसे को यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के पैसे को, टू इशू फुल्ली पेड बोनस शेयर। आप इनसे फुल्ली पेड बोनस शेयर इशू कर सकते हैं। अब ये फुल्ली पेड बोनस शेयर क्या रहते हैं? फुल्ली पेड बोनस शेयर रहते हैं कि जब किसी कंपनी के पास अतिरिक्त रिजर्व बन जाए, सफिशियंट रिजर्व बन जाए, और कंपनी को लगे कि हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं, हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं उनको हम मुफ्त में कुछ शेयर दे देते हैं, तो मुफ्त में शेयर देना ही होता है फुल्ली पेड बोनस शेयर। ये पूरी तरह से मुफ्त में दिए जाते हैं। इसका मैं एक एग्जांपल बताता हूं, बैलेंस शीट का एक हेडिंग लेकर के केवल यहां पे, जैसे मान लो बैलेंस शीट में लिखा है, लायबिलिटी साइड का मैं डिस्कशन कर रहा हूं केवल, कंपनी की शेयर कैपिटल, कंपनी की शेयर कैपिटल लिखी हुई है यहां पे जितने भी है, और रिजर्व एंड सरप्लस लिखा हुआ है यहां पे, और रिजर्व एंड सरप्लस में लिखा हुआ है सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, और इसमें 5 लाख रुपीज रखे हुए हैं। अब कंपनी ने कहा कि सफिशियंट रिजर्व, करना क्या है, इसमें से 3 लाख रुपए के हम शेयर इश्यू कर देते हैं बोनस शेयर। तो बोनस शेयर का मतलब हुआ कि जो पुराने शेयर होल्डर हैं उनको हम एक अनुपात में शेयर दे देते हैं। ये अनुपात तय कर लिया जाता है इस तरीके से कि मान लो कंपनी ने एक तय कर लिया कि जिस पर्सन के पास 10 शेयर हैं उसको हम मुफ्त में 2 बोनस शेयर दे रहे हैं, 2 बोनस शेयर। तो ये कैलकुलेशन है सिंपल, इसका कुछ देखना नहीं, इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं, खाली कॉन्सेप्ट समझ रहा है। तो जिन पे 10 शेयर है उनको हम 2 बोनस शेयर दे रहे हैं और मुफ्त में दे रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 5 लाख रुपए के हम शेयर इशू कर देंगे इन लोगों को। और होगा क्या, ना तो कैश आएगा ना तो कैश जाएगा, खाली ये एक बुक एंट्री होगी, और बुक एंट्री होने से ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5 लाख यहाँ पे दिख रहा था, इसकी हम एंट्री कर देंगे, एक इसकी एंट्री कर देंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट। ऐसा करने से रिजर्व कैंसिल हो जाएगा क्योंकि रिजर्व क्रेडिट रहता है, और इधर एंट्री कर देंगे टू शेयर कैपिटल। तो बस ये बुक एंट्री हुई, ना कैश आया ना गया, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व, रिजर्व का कैपिटलाइजेशन, पूंजीकरण करना। ऐसा करने से जो अब तक हमारी बैलेंस शीट में जो 5 लाख रिजर्व दिख रहा था वो यहां नहीं दिख करके यहां बैलेंस शीट के कैपिटल में बढ़ जाएगा, 5 लाख की कैपिटल, ये हमने रिजर्व का कर दिया कैपिटलाइजेशन, बस और कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना कैश आया ना गया, और जो इक्विटीज एंड लायबिलिटी साइड है वो उतनी रही जितनी थी, क्योंकि एक आइटम इसी साइड का कम हुआ दूसरा बढ़ गया। तो बोनस शेयर तो इसमें यूज कर सकते हैं। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी राइट ऑफ करने में यूज किया जा सकता है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि कंपनी जब स्टार्ट की गई थी उस समय के खर्चे, उनको राइट ऑफ करने में खर्च कर सकते हैं। इसके अलावा इसको हम खर्च कर सकते हैं प्रीमियम के पैसे को, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस ऑफ और कमीशन पेड, डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी, यानी कि हम कोई शेयर इशू करें या हम कोई डिबेंचर इशू करें, इनके इशू करने पे अगर कोई डिस्काउंट दे रहे हैं, खैर शेयर पे तो दे नहीं सकते आज की डेट में, अगर इन पे हम कोई डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको राइट ऑफ इनसे किया जा सकता है। इसके बाद, टू पे प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर का जब रिडेम्पशन करती है या डिबेंचर्स का रिडेम्पशन करती है, तो कंपनी ऐसा हो सकता है कि अपने जो होल्डर्स हैं शेयर होल्डर या डिबेंचर होल्डर, कंपनी उनको कह दे कि हम आपको जब रिटर्न करेंगे यानी कि रिडीम करेंगे जब आपके हम प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर्स को, तो आपके 10 रुपए के शेयर के या डिबेंचर के बदले में हम आपको 12 रुपए देंगे। तो जब इस तरीके से हम जैसे इशू करते टाइम हम ज्यादा रुपए लेते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रीमियम, ऐसे ही अगर हम 10 रुपए पे किसी को 12 रुपए रिटर्न करेंगे तो इसको भी हम प्रीमियम बोलते हैं, लेकिन ये जो प्रीमियम होता है इसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो इस और ये जो सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे पास आता है कंपनी के पास, वो कंपनी का फायदा है, लेकिन कंपनी जब प्रीमियम देती है लोगों को ज्यादा पैसे देती है रिटर्न करते समय, तो ये कंपनी के लिए लॉस होता है,
कैपिटल लॉस, तो इस कैपिटल लॉस को भी इस कैपिटल गेन से राइट ऑफ किया जा सकता है, उसमें यूज हो सकता है। और इसके अलावा यूज हो सकता है परचेज ऑफ इट्स ओन शेयर, एक कंपनी जब अपने स्वयं के शेयर खरीद ले, सामान्यतः कोई कंपनी अपने शेयर खरीदती नहीं है, एक विशेष सिचुएशन होती है जिसको बाई बैक ऑफ शेयर कहा जाता है, शेयर्स का बाई बैक करना। नेक्स्ट इसी में टॉपिक है अब आगे प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद अलॉटमेंट मनी, प्रीमियम की राशि अलॉटमेंट मनी के साथ कॉल करना। अब प्रीमियम का जो पैसा है, जैसे 10 रुपए का शेयर मान लो हम 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो इसका मतलब हम 2 रुपए मंगा रहे हैं प्रीमियम। अब ये जो 2 रुपए हम प्रीमियम मंगा रहे हैं, ये हम कब कब मंगा सकते हैं, ये हम चाहे तो एप्लीकेशन पे मंगा लें, चाहे अलॉटमेंट पे मंगा लें, चाहे कॉल पे मंगा लें, लेकिन सामान्यतः ये अलॉटमेंट के समय मंगाया जाता है, इसलिए जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया हो तो अलॉटमेंट के समय इसको मंगा जाता है प्रीमियम की राशि को। जब इसको अलॉटमेंट के समय अगर मंगाया जाए तो एंट्री कैसे होगी, तो जब हम एंट्री ड्यू करने की एंट्री करते हैं, शेयर अलॉटमेंट मांगती है जब कंपनी अपने होल्डर से, तो एंट्री करती है शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना रुपया कैपिटल का मांग रहे हैं और जितना रुपया प्रीमियम का मांग रहे हैं। मान लो कंपनी अलॉटमेंट पे 5 रुपए तो कैपिटल के मांग रही है अपनी किस्त के, और फिर कह रही है 2 रुपए प्रीमियम वाला भी हम अलॉटमेंट पे ही मांग रहे हैं, तो कुल मिलाकर के शेयर अलॉटमेंट पे कंपनी 7 रुपए मांगेगी, इसमें से 5 रुपए कैपिटल के मांग रही है, 2 रुपए प्रीमियम के मांग रही है, और कैपिटल भी कंपनी के लिए लायबिलिटी बन जाती है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाई जाती है शेयर कैपिटल बनने के बाद। जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, ये एक रिजर्व होता है कंपनी का, और जो रिजर्व होते हैं वो भी लायबिलिटी होते हैं। रिजर्व क्यों लायबिलिटी होते हैं, कभी किसी को कंफ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैं यहां पे क्लियर कर देता हूं कि रिजर्व लायबिलिटी क्यों होते हैं। देखिए रिजर्व होते क्या है, रिजर्व होते हैं कंपनी के द्वारा बचाया गया पैसा। अब कंपनी के द्वारा कोई पैसा अगर बचा लिया जाता है, तो ये पैसा मान लो अगर किसी यूज में आ गया तब तो ठीक है, अगर कहीं भी यूज नहीं हुआ तो ये पैसा किसका है, ये मालिकों का है, ओनर्स का है। कंपनी के पास जो रिजर्व रहते हैं उनपे जो लास्ट हक रहता है वो ओनर का रहता है, और हम जानते हैं कि जो ओनर होते हैं वो भी कंपनी के केस में बाहरी व्यक्ति होते हैं। कंपनी का केस क्या, अकाउंटेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो चाहे सोल ट्रेड है चाहे पार्टनरशिप है, ओनर भी बाहर का आदमी माना जाता है, और ये जो रिजर्व है ये ओनर का पैसा है, और इसलिए इस रिजर्व को भी लायबिलिटी ही माना जाता है, इसी कारण से लायबिलिटी साइड में ही दिखाया जाता है। जब ये पैसा इकट्ठा आ जाएगा 7 रुपया टोटल विद प्रीमियम, तो हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट 7 रुपीज टू शेयर अलॉटमेंट 7 रुपीज। इसी तरीके से फर्स्ट कॉल पे भी अगर प्रीमियम मंगाएंगे तो वहीं पे भी यही एंट्री हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं आप इश्यू ऑफ शेयर एंड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट पर मैंने बताया जनरली शेयर आज की डेट में हो नहीं सकता है इश्यू, कंपनीज एक्ट 2013 के आने के बाद। इसके अलावा कुछ केसेस होते हैं जैसे रीइश्यू करें फॉरफिटेड शेयर्स का, तब हो सकता है डिस्काउंट पे इशू, या हम इशू करें स्वैट इक्विटी शेयर तब हो सकता है। स्वैट इक्विटी शेयर क्या होते हैं, कंपनी अपने कर्मचारियों को, फुल टाइम जो वर्कर होते हैं कंपनी के, ऑफिसर्स को और फुल टाइम डायरेक्टर्स को, कंपनी से उनका लगाव बढ़े इस कारण से कंपनी उनको मार्केट प्राइस से कम में शेयर दे सकती है, इसको कहते हैं स्वैट इक्विटी शेयर। ये उनके स्वैट के लिए मिल रहे हैं क्योंकि वो पसीना बहाते हैं संस्था के लिए, तो उसकी मेहनत का ये एक तरह से संस्था उनको पुरस्कार देती है कि हम आपको मार्केट से कम पैसे में शेयर दे रहे हैं, और उद्देश्य ये होता है कि जब हम उनको देंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ हम मेहनत करते हैं कंपनी के लिए, तो कंपनी भी हमारा ख्याल रख रही है, कंपनी का जो शेयर मार्केट में 100 रुपए का बिक रहा है कंपनी हमको वो शेयर 70 रुपए में ही दे रही है, तो इनको कंपनी से लगाव बढ़ता है। एक तो ये होता है, और दूसरा एक और भी होता है, ऐसा नहीं है कि अब वो बेच सकते हैं तुरंत, इन पे एक लॉक इन पीरियड रहता है कि अगर कंपनी ने कह दिया तो कंपनी कहती है आप 3 साल तक इनको बेच नहीं पाओगे, तो ये एक लॉक इन पीरियड लग जाएगा, तो इसका मतलब कंटिन्यू उनके पास शेयर बने रहेंगे, तो उनका भी एक हित बना रहेगा कंपनी में, उनको लगेगा एम्प्लॉइज को कि हमारे भी शेयर कंपनी में हैं। नेक्स्ट है इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, कैश के अलावा अन्य किसी कंसीडरेशन के बदले में शेयर इशू करना। इसका मतलब होता है कि कंपनी कैश के अलावा, जैसे मान लो किसी पर्सन से कंपनी ने कोई मशीन ली या प्लांट लिया, और प्लांट लिया कंपनी ने 10 लाख रुपए का, तो कंपनी ऐसा कर सकती है कि 10 लाख पेमेंट ना करके इनसे कंपनी कह दे कि हम आपको 10 लाख रुपए के शेयर दे देते हैं, तो इस केस को कहा जाता है इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। शेयर की एंट्री इसमें भी वैसे ही होती है इश्यू करने की, बस एक अंतर आ जाता है
कि जैसे हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट खरीदने की एंट्री हो जाएगी, जिससे हमने प्लांट खरीदा तो प्लांट डेबिट, आप जानते हैं एसेट बढ़ती है तो एसेट को डेबिट करते हैं, प्लांट डेबिट टू वेंडर, वेंडर कहेंगे उस पार्टी को जिससे हमने प्लांट खरीदा। मान लो प्लांट खरीदा हमने 10 लाख का, तो हमने एंट्री कर दी 10 लाख, 10 लाख की एंट्री कर दी वेंडर। जब इस वेंडर को शेयर इशू करेंगे तो एंट्री हो जाएगी वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को डेबिट कर देंगे 10 लाख के, और शेयर इशू कर देंगे तो एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल, वेंडर को हमने शेयर इशू कर दिए शेयर कैपिटल की एंट्री कर दी 10 लाख। जब कोई पर्सन किसी कंपनी के शेयर बाई करने के लिए अप्लाई करता है तो उस समय ऑटोमेटिकली एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है कंपनी के बीच में और शेयर होल्डर के बीच में। वो कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि शेयर होल्डर जो है उसकी ड्यूटी है कि शेयर का अमाउंट उससे जब जब मांगा जाएगा, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, तो वो समय पर उसकी पेमेंट करेगा। ये तो ड्यूटी होती है शेयर होल्डर की। इसी कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार ड्यूटी बन जाती है कंपनी की कि कंपनी ने शेयर होल्डर को जो शेयर अलॉट किया है, जो शेयर अलॉट किया है उस शेयर पे डिविडेंड प्रोवाइड करेगी, और अगर कभी कंपनी समाप्त होती है, बंद होती है, तो शेयर होल्डर का पैसा बाकी जो ऑब्लिगेशंस हैं उनको पूरा करने के बाद रिफंड करेगी। इस तरह का ये एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जब कंपनी कॉल करती है शेयर होल्डर से पैसा कॉल्स का या अलॉटमेंट का, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि शेयर होल्डर उसकी पेमेंट नहीं कर पाए, उसके कई कारण हो सकते हैं। अगर शेयर होल्डर इंस्टॉलमेंट को देने में असमर्थ हो जाता है, चाहे अलॉटमेंट मनी और चाहे कोई कॉल मनी, तो कंपनी को राइट होता है उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंतर्गत दी गई व्यवस्था के अनुसार कि कंपनी ऐसे केस में शेयर को कैंसिल कर सकती है। शेयर को कैंसिल करने का मतलब है कि जो शेयर होल्डर है अब उससे कंपनी का रिलेशन नहीं रहा, और उस शेयर होल्डर ने जो पैसा अब तक कंपनी को इस शेयर पे दिया था वो पैसा कंपनी जब्त कर लेगी, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने का जो काम किया है वो शेयर होल्डर ने किया है। शेयर होल्डर की जो अपनी ड्यूटी थी वो उसने नहीं निभाई, उसने अलॉट या कॉल्स का पैसा पे नहीं किया। इसके बाद फॉरफीचर का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं बुक्स में, यानी कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स के केस में। जब कंपनी शेयर को कैंसिल करती है तो जो शेयर कैपिटल होती है, शेयर कैपिटल का मतलब होता है जैसे किसी बिजनेस के केस में कैपिटल होती है, कैपिटल होता है फंड प्रोवाइडेड बाय ओनर, ठीक वैसे ही कंपनी में भी जो शेयर कैपिटल रहती है ये शेयर कैपिटल फंड प्रोवाइडेड बाय शेयर होल्डर होता है। शेयर कैपिटल कंपनी के ऊपर एक लायबिलिटी होती है जिसको इंटरनल लायबिलिटी कहते हैं। जैसे कैपिटल किसी भी बिजनेस में इंटरनल लायबिलिटी की तरह होती है, क्योंकि शेयर होल्डर ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो कंपनी को राइट के शेयर कैपिटल को कैंसिल कर देगी, अपनी लायबिलिटी को कैंसिल कर देगी। जब कंपनी लायबिलिटी को कैंसिल करेगी तो सवाल होता है कि कितने रुपए से कैंसिल करेगी। हमेशा शेयर कैपिटल को उतने रुपए से ही कैंसिल किया जाता है जितना रुपया शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में लिखा हुआ होगा, और बैलेंस शीट में उतना ही पैसा शेयर कैपिटल का लिखा जाता है जो अभी तक कंपनी ने कॉल किया था। जो कॉल किया था उतने से शेयर कैपिटल बनी होती है, इसलिए जिस दिन शेयर फॉरफिट किया जाता है उस दिन तक उस शेयर पे जितना अमाउंट कॉल किया गया है उतने से इसको डेबिट करते हैं। इसको हम नीचे न्यूमेरिकल में भी इसको देखेंगे। और कैंसिल कर दिया जाता है टू शेयर फॉरफीचर में आता है पेड अप अमाउंट, यानी कि आज तक शेयर होल्डर ने जो पैसा दिया है उसको कंपनी जब्त कर लेती है। जब कंपनी जब्त करती है तो कंपनी के लिए ये एक कैपिटल गेन होता है, कैपिटल गेन होने की वजह से ये इनकम होता है और इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया जाता है। जैसे मान लो किसी शेयर पे कंपनी ने आज तक 8 रुपये मंगाए थे तो डेबिट करेंगे शेयर कैपिटल को, 8 रुपये से कैंसिल कर देंगे, 8 रुपये कॉल किए थे। मान लो इस 8 रुपये के शेयर पे शेयर होल्डर ने आज तक 2 रुपये दिए थे तो शेयर फॉरफीचर होगा 2 रुपये से, क्योंकि जो शेयर होल्डर ने दे दिया है तो 8 रुपये जो कंपनी ने कॉल किए थे उतनी कैपिटल बुक्स में बनी हुई थी उसको कैंसिल किया,
जो 2 रुपये शेयर होल्डर आज तक दे चुका था, उस 2 रुपये को कंपनी ने जब्त कर लिया, इसलिए वो कंपनी की इनकम हो गया, सो क्रेडिट कर दिया। इसके बाद कंपनी ने अलॉटमेंट पे जो कॉल की हुई थी और जो शेयर होल्डर ने दिया नहीं था, मान लो अलॉटमेंट पे कंपनी ने 3 रुपया इससे मंगाया हुआ था और इसके बाद किसी कॉल पे भी मान लो 3 रुपया मंगाया हुआ था फर्स्ट कॉल पे, जहां तक मंगाया जाता वहीं तक किस्में बात होती है। अब जब हमने इश्यू की एंट्री बताई थी तो उस समय बताया था कि जब अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया जाता है तो शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर दिया जाता है। शेयर अलॉटमेंट को डेबिट कर देने का मतलब ये होता है कि कंपनी ने अपनी बुक्स में शेयर होल्डर को ये इन्फॉर्म कर दिया कि आप हमारे इतने रुपए से डेटर बन गए। एक क्वेश्चन किसी दिन किसी ने किया था इससे रिलेटेड कि शेयर अलॉटमेंट या शेयर फर्स्ट कॉल या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इनकी नेचर क्या होती है? तो देखिए इनकी नेचर क्या होगी, ये आप स्वयं आइडिया लगा सकते हैं। मैं खाली इतनी बात बोलता हूँ कि जब कंपनी अलॉटमेंट कॉल करती है तो अलॉटमेंट को डेबिट करती है, और अलॉटमेंट को डेबिट करने का मतलब ये होता है कि अब जो शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के डेटर बन गए इतने रुपए से जितने रुपए कंपनी ने अलॉटमेंट पे मंगाए। अगर कंपनी ने अलॉटमेंट पे 3 रुपए मंगाए एक शेयर पे, यानी कि एक शेयर के लिए शेयर होल्डर जिस पर्सन ने एक शेयर खरीदा होगा वो कंपनी की बुक्स में एक तरह से डेटर हो गया 3 रुपए का, और इसी कारण से हम यहाँ शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि शेयर होल्डर को डेबिट क्यों नहीं कर देते हैं, क्योंकि कंपनी के यहाँ बहुत सारे शेयर होल्डर होते हैं, लाखों शेयर होते हैं, इकट्ठी कॉल की जाती है, ऑटोमेटिकली शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करना इस बात का इंडिकेशन होता है कि अलॉटमेंट का पैसा ड्यू है और वो ड्यू है शेयर होल्डर पे, यानी कि शेयर अलॉटमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है उन लोगों को जिन्होंने कंपनी के शेयर के लिए अप्लाई कर दिया था, और उन लोगों पे अब हमारा पैसा, कंपनी का पैसा ड्यू है 3 रुपये। इसलिए इसकी जो नेचर होगी वो क्या होनी चाहिए, क्योंकि ये उन पर्सन को बता रहा है, इसलिए इसकी नेचर भी पर्सनल अकाउंट होगी। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। जब अलॉटमेंट ड्यू कर दिया 3 रुपये का, अब हमें पता चला है कि उस पर्सन ने अलॉटमेंट बार बार मांगने के बावजूद भी नहीं दिया, और अब हम उसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि उसका शेयर कैंसिल कर रहे हैं। हमने जब उसका शेयर ही कैंसिल कर दिया तो जो ड्यू हमने कर रखा था अलॉटमेंट वो भी नेचुरली कैंसिल हो जाएगा, जो डेबिट दिख रहा था उस अलॉटमेंट को हम क्रेडिट कर देंगे। यह कारण है कि अलॉटमेंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक वैसे ही सेम सिचुएशन लागू होगी आगे भी। अगर कॉल पे कंपनी ने मांगा हुआ था 3 रुपया तो वो कॉल भी ड्यू थी, और अब ये शेयर कैंसिल हो गया तो ये कॉल का भी पैसा अब ड्यू रखने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से ये एंट्री फॉरफीचर के केस में होती है। अगली एंट्री देखते हैं, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इशूड एट प्रीमियम। उन शेयर्स का फॉरफीचर करना जो शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इशू हुए थे। प्रीमियम पे इशू हुए थे यानी कि मान लो कोई 10 रुपये का शेयर था और कंपनी ने उस पर 2 रुपये प्रीमियम भी मांगा था, तो ये प्रीमियम पे इशू किए हुए शेयर थे। इनके बारे में रूल क्या है कि इनको जब फॉरफीट करते हैं तो इनके भी कैंसिलेशन की एंट्री में शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। शेयर कैपिटल को डेबिट उतने रुपए से करेंगे जितने आज तक इन पे मांगे गए हैं। मान लो कि ये 10 रुपये कैपिटल के और 2 रुपये प्रीमियम के, ये पूरे कंपनी मांग चुकी है। अगर पूरे कंपनी मांग चुकी है तो कैपिटल को कितने से डेबिट करेगी? कैपिटल को उतने से डेबिट करेगी जितने कैपिटल के लिए मांग चुकी है। कैपिटल के लिए पूरे मांग चुकी है तो 10 रुपये से डेबिट करेंगे। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो कॉल्ड अप है और पे नहीं हुआ है। यहाँ पे यह बात काफी ध्यान रखने की है कि जो पैसा कंपनी ने कॉल किया है लेकिन पे नहीं किया है। अगर मान लो ये प्रीमियम का पैसा कंपनी ने कॉल किया लेकिन आया नहीं, तब तो इसको भी कैंसिल करेंगे, इसको भी कैंसिल करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि ये प्रीमियम का पैसा आ चुका है 2 रुपया, मान लो ये एप्लीकेशन पे ही आ चुका है, तब इसको कैंसिल करने की जरूरत नहीं है। इस पॉइंट को नोट करके रखेंगे। उसका मैं कारण भी यहाँ पे बता देता हूँ कि जब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हमने मंगाया हो, जब इश्यू की एंट्री करते हैं उस समय पे हम प्रीमियम का पैसा मांगते हैं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को भी हम क्रेडिट कर देते हैं। तो हमने मंगाया लेकिन वो आया नहीं, जब वो आया ही नहीं तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अब हम अपनी बुक्स में आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पैसा आया ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है उसको कैंसिल कर देना। अब दूसरा केस लेते हैं
कि अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आ चुका है तब इसको डेबिट क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का पैसा आ चुका है तो हमें पता है कि ये जो 2 रुपये प्रीमियम आ चुका है ये कंपनी के लिए कैपिटल गेन है, कैपिटल गेन पूंजीगत लाभ। मान लो इसको हम शेयर कैपिटल को, शेयर को जब हम फॉरफिट कर रहे हैं उस समय अगर हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को कैंसिल करें तो अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इसको कैंसिल करेंगे तब भी ये कहाँ पे जाएगा, शेयर फॉरफीचर में जाएगा, क्योंकि जो पैसा आ चुका है उसको हम फॉरफीचर अकाउंट में रखने वाले हैं, और फॉरफीचर अकाउंट में भी जो पैसा जाता है वो भी कैपिटल गेन है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो है वो भी कैपिटल गेन है। तो इसलिए आगे इसको जब ये पैसा मिल जाता है तो क्योंकि ऑटोमेटिकली ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जा करके सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कैपिटल गेन बन चुका है, इसलिए इसको अब कैंसिल करने की जरूरत नहीं होती है। तो इस पॉइंट को नोट करेंगे। इसके बाद टू शेयर फॉर फ्यूचर, टू शेयर फॉर फ्यूचर वैसे ही जैसे पिछली एंट्री में बताया था, जो एक्चुअल पैसा आ चुका है उतने रुपए को हम फॉर फ्यूचर में लिख देते हैं, और जो पैसा एक्चुअल में आ चुका है वो भी केवल इस कैपिटल वाला पैसा, प्रीमियम वाला नहीं कंसीडर होता है, क्योंकि प्रीमियम आ चुका है तो प्रीमियम को तो कैंसिल ही नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं शेयर अलॉटमेंट, ठीक वैसे ही जैसे पिछले केस में डिस्कस किया था, शेयर अलॉटमेंट जितना पैसा ड्यू है, अलॉटमेंट डेबिट हुई पड़ी है उतने से अब उस ड्यू को हम कैंसिल कर देंगे, क्योंकि शेयर फॉरफिट हो रहा है, शेयर कैंसिल हो रहा है। शेयर कॉल अकाउंट को हम इंडिविजुअल लेवल पे इसको भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि ये भी ड्यू हुआ पड़ा है बुक्स में। जब शेयर कॉल मंगाते हैं तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट या शेयर फाइनल कॉल डेबिट भी करते हैं, उसका मतलब होता है कि वो ड्यू है शेयर होल्डर पे, लेकिन अब शेयर होल्डर का हमने शेयर ही जब्त कर लिया, कैंसिल कर दिया, तो वो ड्यू भी अब नहीं रहेगा, इसलिए उस ड्यू को भी कैंसिल कर दिया जाता है क्रेडिट करके। बाकी इसको हम अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, वहां पे ये आसानी से समझ आ जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। जब कंपनी शेयर्स को फॉरफिट कर लेती है तो कंपनी को राइट होता है, अगर उसके आर्टिकल्स अलाउ करते हैं तो कंपनी अपने फॉरफिटेड शेयर्स को बाद में किसी अन्य व्यक्ति को बेच सकती है, उसको कहते हैं रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, जब्त किए गए शेयर्स को फिर से मार्केट में बेच देना। फॉरफिटेड शेयर्स रीइशू किए जा सकते हैं एट पार पे भी, एट प्रीमियम पे भी, एट डिस्काउंट पे भी। यहाँ पे ध्यान दें, हम रीइशू की बात कर रहे हैं, हम ओरिजिनल इशू की बात नहीं कर रहे। ओरिजिनल इशू आज की डेट में कंपनीज एक्ट 2013 बनने के बाद कोई कंपनी डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकती है, लेकिन रीइशू के केस में शेयर को एट पार पे भी इशू कर सकते हैं, रीइशू प्रीमियम पे भी कर सकते हैं, डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रीइशू हम डिस्काउंट पे करते हैं तो इसके साथ एक कंडीशन जुड़ी होती है कि ये डिस्काउंट मैक्सिमम कितना हो सकता है। तो आज की डेट में जो वर्तमान रूल है, प्रोविजन है कंपनीज एक्ट के, वो ये कहते हैं कि रीइशू के समय अगर कोई कंपनी शेयर्स पे डिस्काउंट देती है तो ये डिस्काउंट ज्यादा से ज्यादा उतना दिया जा सकता है जितना इन फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना पैसा कंपनी ने फॉरफिट कर रखा था, यानी कि फॉरफिटेड अमाउंट। ये जो डिस्काउंट है ये कैपिटल लॉस है, ये जो फॉरफिटेड शेयर्स पे फॉरफिटेड मनी था वो कैपिटल गेन था, तो उस कैपिटल गेन को यूटिलाइज किया जा सकता है इस डिस्काउंट के लिए। और कोई भी कंपनी रीइशू पे इस फॉरफिटेड अमाउंट से ज्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकती है। इसकी एंट्री क्या होगी रीइशू की, जब रीइशू करेंगे तो रीइशू के केस में एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, और ये केवल इस अमाउंट से लिखना है एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड, इसमें कुछ अन्य चीज देखने की जरूरत नहीं है, वास्तव में एक शेयर पे जितना पैसा मिल रहा है। मान लो कोई कंपनी 10 रुपये का शेयर रीइशू कर रही है और वो शेयर रीइशू करते समय कंपनी 6 रुपये ले रही है, तो एक्चुअल में केवल 6 रुपये यहाँ पे लिखे जाएंगे जितने से रीइशू हो रहा है। फॉरफिटेड शेयर्स, फॉरफिटेड शेयर्स को डेबिट करेंगे उस अमाउंट से जो हम रीइशू पे डिस्काउंट दे रहे हैं। अगर रीइशू पे हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो रीइशू पे डिस्काउंट दी कैसे जाती है, इसको मैं इसे एग्जांपल में बताता हूँ। मान लो कंपनी 10 रुपये का शेयर रीइशू कर रही है, पहले कभी जब्त कर चुकी थी, अब इस पे 6 रुपये कंपनी मांग रही है, और कंपनी कह रही है कि हम 6 रुपये मांग रहे हैं और हम इस शेयर को रीइशू कर रहे हैं फुल्ली पेड मान करके, मतलब ये मान लेंगे कि आपने 10 रुपये दे दिए, तो इसका मतलब कंपनी 4 रुपये डिस्काउंट दे रही है रीइशू पे। तो जो 4 रुपये डिस्काउंट दे रही है ये फॉरफिटेड शेयर्स का जो अमाउंट था कैपिटल गेन, वहां से वसूल कर लिया जाएगा और शेयर कैपिटल 10 रुपये बन जाएगा पूरा। ये पहला केस बताया।
ऐसा भी हो सकता है कंपनी फुल्ली पेड ना माने, कंपनी कहे कि हम ये 10 रुपये वाला शेयर रीइशू कर रहे हैं 6 रुपये में और पेड अप मानेंगे 8, मतलब हम ये मानेंगे कि आपने 8 दिए। तो जब ये मानेंगे तो इसका मतलब केवल हम 2 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, और तब फॉरफिटेड शेयर्स जो डेबिट होगा वो केवल 2 रुपये से होगा, 2 रुपीज से। यहाँ पे मैं नेट लिख देता हूँ फिर से, 2 रुपीज से। और जो कैपिटल भी बनेगी वो भी 10 रुपये से ना बन करके केवल 8 रुपये से बनेगी, जितने रुपये हम पेड अप मान रहे हैं। तो इस तरीके से एंट्री की जाती है। एक तीसरा केस और हो सकता है कि कंपनी मान लीजिए 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में रीइशू कर दे। अगर कंपनी के शेयर की अच्छी डिमांड है तो कंपनी रीइशू पे ऐसा भी कर सकती है। जब ऐसा करेगी तो एक सिचुएशन और अलग हो जाएगी, उस सिचुएशन को भी मैं इस एंट्री में अभी करके दिखाता हूँ। मान लो 10 रुपये का शेयर है और कंपनी कह रही है कि हम इस 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में रीइशू कर रहे हैं। जब कंपनी 10 रुपये के शेयर को 12 रुपये में रीइशू कर रही है तो बैंक अकाउंट डेबिट वही एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड यहाँ पे 12 रुपये आ जाएगा, और फॉरफिटेड शेयर क्योंकि हमने कोई डिस्काउंट दिया ही नहीं तो यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। शेयर कैपिटल जितना रुपया पेड अप मानेंगे, अब अगेन यहाँ पे भी वही रूल लागू होगा, फुल्ली पेड अप मानेंगे तो 10 रुपये, 8 पेड अप मानेंगे तो 8 रुपये, 7 पेड अप मानेंगे तो 7 रुपये। और इस पेड अप का मतलब ये है, कंपनी ये कह रही है कि आपका हम ये जो रीइशू कर रहे हैं हम इतने रुपये मानेंगे कि आपने हमें पे कर दिए हैं। इसके बाद जो ऊपर का पैसा है, यानी कि 10 रुपये फुल्ली पेड अप माना था कंपनी ने और रुपए लिए 12, तो 2 रुपये ज्यादा लिए, ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया और ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा। तो इस तरीके से रीइशू की एंट्री की जाती है। अब यहाँ पे कुछ चीजें नोट करने लायक हैं। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव्ड ऑन फॉरफिटेड शेयर। डिस्काउंट अलाउड जो रीइशू की बात हो रही है, ये रीइशू पे जो डिस्काउंट अलाउड होता है वो कभी भी फॉरफिटेड शेयर्स पे जितना पैसा फॉरफिट किया था उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। फॉरफिट क्या कौन सा पैसा किया होता है, जो शेयर होल्डर ने अपने शेयर पे कर दिया था। नेक्स्ट है, डिस्काउंट अलाउड ऑन रीइशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर शुड बी डेबिटेड टू फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट। क्योंकि रूल है कि जो रीइशू पे डिस्काउंट दिया जाएगा वो फॉरफिटेड शेयर से ही दिया जा सकता है, इसलिए डिस्काउंट अलाउड को हम चार्ज कर लेते हैं डायरेक्टली फॉरफिटेड शेयर से, इसलिए सीधे फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट को ही डेबिट करते हैं। इससे जो फॉरफिटेड शेयर मनी होता है हमारा कैपिटल गेन वो कम हो जाता है। बैलेंस यदि कोई बच जाता है बाद में शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में, क्योंकि मान लो हमने एक शेयर पे 3 रुपये जब्त किए, जब रीइशू किया तो 2 रुपये डिस्काउंट किया रीइशू पे, तो 2 रुपये तो हमने रीइशू पे यूज कर लिए 3 रुपये में से, अब बच गया 1 रुपया। अगर रीइशू करने के बाद, शेयर्स को रीइशू करने के बाद फॉरफिटेड में कुछ पैसा बच जाता है तो ये शुद्ध पूंजीगत लाभ हो जाता है, नेट कैपिटल गेन हो जाता है, और इसलिए कैपिटल रिजर्व में इसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। जो पैसा बचेगा उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल रिजर्व में। इस प्रोसेस को हम न्यूमेरिकल से समझेंगे, समझ आ जाएगी आसानी से। जो पैसा बच जाता है उसकी एंट्री हो जाती है फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। एक न्यूमेरिकल यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम्पल, ए लिमिटेड है, मान लो उसने 1,000 शेयर इशू किए 10 रुपये का प्रत्येक, सभी शेयर सब्सक्राइब हुए पब्लिक के द्वारा, 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगे कंपनी ने, जो 10 रुपये हैं उनको 3 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा, 4 रुपये अलॉटमेंट पे मांगा, 3 रुपये फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांगा। जब फर्स्ट फर्स्ट ही फाइनल हो जाए तो फर्स्ट एंड फाइनल बोल देते हैं। तो 3 और 4 7 और 3 10 रुपये टोटल कंपनी मांग चुकी 3 बार में। विक्रम एक शेयर होल्डर था 100 शेयर का, उसने एप्लीकेशन मनी पे कर दिया लेकिन वो अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी नहीं दे पाया। मतलब ये एप्लीकेशन के 3 रुपये विक्रम ने दे दिए अपने 100 शेयर पे, लेकिन बाद का ये पैसा 4 रुपये अलॉटमेंट और 3 रुपये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पे नहीं कर पाया। ऑन हिज फेलियर कंपनी फॉरफिटेड है शेयर। जब वो फेल कर गया तो कंपनी ने उसके शेयर फेल कर दिए, फॉरफिट कर दिए, जब्त कर लिए। तो क्या एंट्री होगी, ऑल फॉरफिटेड शेयर्स रीइश्यूड टू चेतन एट ₹8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बाद में ये पूरे के पूरे 100 फॉरफिटेड शेयर जो इसके फॉरफिटेड शेयर विक्रम के जब्त किए थे कंपनी ने, वो चेतन को बेच दिए 8 रुपये के रेट से फुल्ली पेड मान करके। यानी कि चेतन को कह दिया तुम 8 रुपये ही दे दो, हम ये मान लेंगे तुमने 10 दे दिए। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, इस केस की एंट्री बनेगी फॉरफिचर की जो एंट्री होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, जितना उसने
मंगाया था शेयर पे, तो क्योंकि हमने कहा कि फाइनल कॉल भी नहीं दिया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इसका मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी ने मांगा था, तो फाइनल तक मांगा था यानी कि 10 रुपये मांगे थे, तो जो कॉल्ड अप अमाउंट हो गई 100 शेयर पे, अब जितने शेयर जब्त करेंगे उतनों के ही जब्त करने की एंट्री होगी, याद रखें केवल विक्रम के 100 शेयर जब्त कर रहे हैं तो उसी की एंट्री होगी, 100 रुपये 10 रुपये के रेट से उसकी जो कैपिटल आज तक हमने अपनी बुक्स में बनाई थी उसको अब कैंसिल कर देंगे 1,000 से, जो पैसा वो दे चुका था तो वो 3 रुपये केवल एप्लीकेशन के दिए थे, तो जो एप्लीकेशन के 3 रुपये उसने दिए थे हम उन्हीं को यहाँ पे जब्त करेंगे 3 रुपये को, तो एंट्री हो जाएगी 300 रुपये से हमने ये क्रेडिट कर दिया शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। अलॉटमेंट पे जो पैसा उसने नहीं दिया था 4 रुपये, वो हमने अलॉटमेंट मांगते समय ड्यू किया होगा, डेबिट किया होगा, अब उस डेबिट को हम कैंसिल कर देंगे। विक्रम हमारे शेयर अलॉटमेंट से एक तरह से डेटर बना हुआ था हमारा 400 का, अब हमने उसका शेयर ही जब्त कर दिया तो उसका जो ड्यू है वो भी अब हम कैंसिल कर देंगे, 400 रुपये से क्रेडिट कर दिया ड्यू को। ठीक वैसे ही हमने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे उससे 3 रुपये मांग रखे थे उनको भी अब हम कैंसिल कर देंगे, तो इस तरीके से ये एंट्री बन जाएगी फॉर फ्यूचर की। बाद में हमें बताया गया कि ये 100 शेयर 8 रुपये के रेट से रीइशू कर दिए, तो जो एक्चुअल पैसा मिला वो 100 शेयर पे 8 रुपये के रेट से 800 रुपया मिला, और शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 100 शेयर पे, क्योंकि हमने 8 रुपये लिए और पेड अप मान लिए 10 रुपये, तो इसका मतलब 2 रुपये डिस्काउंट दिए रीइशू पे, और रीइशू पे जो डिस्काउंट है वो कहाँ से यूज किया चार्ज किया जाता है, फॉर फ्यूचर से, फॉर फ्यूचर से ले लिया 200 रुपये। शेयर कैपिटल जितना हमने पेड अप माना, फुल पेड अप माना, तो फुल 10 रुपये से कैपिटल बना दी 1,000 रुपये। अब यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि जितने 100 शेयर हमने फॉरफीच किए वो सारे के सारे शेयर हमने रीइशू भी कर दिए, तो अब देखेंगे कि फॉरफीचर पे कंपनी ने कमाए थे 300 रुपये, तो 300 रुपये जो फॉरफीचर पे कमाए थे तो यूज कितने हो गए इन शेयर को रीइशू करते समय 100 रुपये पे 2 रुपये के रेट से 200 रुपये, तो 200 रुपये की ये डिस्काउंट घट जाएगी, क्योंकि ये 300 रुपये जो कमाए थे तो 200 का यहाँ पे लॉस हो गया, अल्टीमेटली हमारे पास बचा 300 में से 200 गया तो 100 रुपया, जो 100 बचा वो कंपनी के लिए शुद्ध पूंजीगत लाभ नेट कैपिटल गेन है, इसलिए इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, तो ये इस तरीके से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल टू, इसमें सिचुएशन में थोड़ा सा अंतर हुआ, सेम न्यूमेरिकल है ये, बस इसमें अंतर हमने ये रखा है कि 100 शेयर जो फॉरफिट हुए थे पिछले वाले क्वेश्चन में उसमें से इस बार रीशू केवल 60 शेयर हुए, तो जो 60 शेयर रीशू हुए रीशू की एंट्री केवल उनकी होगी, और बाकी जो 40 शेयर हैं वो अभी भी फॉरफिटेड हैं, तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है इसमें देखेंगे। जर्नल एंट्री में जो पहली एंट्री है वो वैसे ही रहेगी एज इट इज फॉरफिट की, रीइशू की एंट्री में बदलाव आ जाएगा, हमने केवल 60 शेयर रीइशू किए 8 रुपये के रेट से तो 480 रुपीज हमारे पास एक्चुअल में आए, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट होगा 60 शेयर पे हमने 2 रुपये डिस्काउंट दिया तो 120 हमने फॉरफीचर से डिस्काउंट का चार्ज कर लिया डायरेक्टली। इसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल, 60 शेयर हमने फुल्ली पेड बांध के रीइशू किए हैं 10 रुपये, तो 60 शेयर 10 रुपये से कैपिटल बन गई 600 रुपये। अब यहाँ पे देखेंगे कि शेयर फॉरफीचर कितना शेयर फॉरफीचर कैपिटल रिजर्व में जा सकता है, इसकी कैलकुलेशन मैंने नीचे की है वर्किंग नोट में, इस पे ध्यान दें। फॉरफिटेड अमाउंट ऑन 100 शेयर, 100 शेयर पे फॉरफिट कितना किया 300, तो हमने रीइशू कितने किए 60, तो रूल ये कहता है कि जितने शेयर रीइशू किए उनसे रिलेटेड जो फॉरफीचर है उसको तो हम कैपिटल रिजर्व में भेज देंगे, लेकिन जो शेयर अभी भी रीइशू नहीं हुए, जैसे हमें पता 100 शेयर फॉरफिट किए थे तो 40 शेयर ऐसे हैं जो अभी भी रीइशू नहीं हुए, तो इन 40 शेयर का जो फॉरफीचर अकाउंट अमाउंट है वो अलग से रखना होगा तब तक जब तक ये शेयर भी रीइशू नहीं हो जाएंगे, तो फॉरफिटेड अमाउंट निकालेंगे 60 शेयर पे पहले। 60 शेयर पे निकालने का तरीका है, 100 शेयर पे फॉरफिट कितना था 300, तो 60 पे कितना होगा, उसका रूल होता है 300 बटे 100 कर देंगे, 60 पे कितना होगा 180 होगा, भाई 300 फॉरफीचर था 100 शेयर पे, यानी कि 1 शेयर पे 3 रुपये फॉरफीचर था, तो 60 रुपये पे गुना 3 हो जाएगा, 180 फॉरफीचर था। अब ये जो 60 शेयर हमने रीशू किए इस पे कितना हमने यूज कर लिया डिस्काउंट के नाम पे, तो डिस्काउंट के नाम पे हमने क्योंकि 2 रुपये डिस्काउंट दिया था 120 यूज कर लिया, तो अब हमारे पास इन 60 शेयर से रिलेटेड जो फॉरफीचर था वो तो शुद्ध बचत हो गई 60 रुपये, इस 60 रुपये को हम ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल रिजर्व में और एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व 60 रुपये से।
और ये जो कैपिटल रिजर्व का 60 रुपया है, ये कंपनी की बैलेंस शीट जब बनेगी तो ये आएगा वहां पे रिजर्व एंड सरप्लस नाम की हेडिंग में आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस नाम की हेडिंग में, इक्विटी वाले पार्ट में आएगा और वहां पे हम लिखेंगे कैपिटल रिजर्व। अब बात आती है उन शेयर्स की जो 40 शेयर अभी रीइशू नहीं हुए हैं, तो ये फ्यूचर में रीइशू कभी ना कभी होंगे, तब तक इनका जो फॉरफिटेड अमाउंट है वो अलग से रखा जाएगा। उसको कहाँ रखेंगे, पहले तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, भाई 300 पे फॉरफीचर था, 300 रुपये फॉरफीचर था 100 शेयर पे, तो पर शेयर 3 रुपये हो गया, तो 40 शेयर पे कितना होगा, 120। तो 40 शेयर का फॉरफीचर अमाउंट जो है ये इंटैक्ट यानी कि अपरिवर्तित रहेगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में ये कहाँ पे रहेगा, ये फॉरफिटेड अमाउंट बैलेंस शीट में रहेगा जो शेयर कैपिटल हेडिंग होती है उसमें लास्ट में, जहाँ पे हम सबसे लास्ट में पेड अप अमाउंट लिखते हैं, पेड अप कैपिटल, उस पेड अप कैपिटल में नीचे ऐड करके दिखाया जाएगा फॉरफिटेड शेयर अमाउंट, ये वहां पे शो किया जाता है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाली हेडिंग में। इसके बाद बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर, बाईबैक ऑफ शेयर एक अनकॉमन एक्टिविटी होती है, यानी कि ये रिपीटेड एक्टिविटी नहीं होती है। बाईबैक ऑफ शेयर कोई कंपनी तब करती है जब कंपनी के पास सफिशियंट फंड होते हैं और शेयर होल्डर्स या कहो कि कंपनी का मैनेजमेंट यह डिसीजन ले कि अपनी कैपिटल को वो कम करना चाहते हैं। कैपिटल को जब कम करना चाहते हैं तो एक तरीका होता है कि कंपनी के पास जो एक्सेस फंड होते हैं उनसे वो शेयर होल्डर्स से शेयर को वापस मांग लेती है और शेयर होल्डर्स को पेमेंट कर देती है। एक तरह से ये परचेज ऑफ शेयर है, यानी कि कंपनी अपने स्वयं के शेयर परचेज कर रही है, इसी को बाईबैक ऑफ शेयर कहा जाता है। सेक्शन 68 कंपनीज एक्ट 2013 का प्रोवाइड करता है कि कंपनी अपने शेयर्स को बाईबैक कर सकती है। कंपनी बाईबैक कर सकती है अपने शेयर कहां से, यानी कि इसका फंड कहां से आएगा, इस पे कई दफे क्वेश्चन आता है। इस टाइप का बाईबैक का जो क्वेश्चन ज्यादातर है वो कई एग्जाम्स में यहां से बन के आया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, कि वो फंड कहां से यानी कि कौन से फंड का यूज कर सकती है। तो बाईबैक में फंड यूज कर सकती है फ्री रिजर्व, कंपनी के पास फ्री रिजर्व का मतलब हो गया ऐसे रिजर्व जो किसी खास मकसद के लिए ईयर मार्क्ड नहीं किए गए हैं, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएनडीएल बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनडीएल का क्रेडिट बैलेंस या जनरल रिजर्व। सिक्योरिटीज प्रीमियम, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व जो होता है उससे भी बाईबैक कर सकती है। इसके अलावा फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ एनी शेयर और अदर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज, या कोई अन्य शेयर या अन्य कोई सिक्योरिटी इशू करके उससे जो प्राप्त होगा वहां से किया जा सकता है। अमाउंट ऑफ बाईबैक, बाईबैक का जो अमाउंट होगा शेयर्स का किसी फाइनेंशियल ईयर में शुड नॉट एक्सीड 25% ऑफ पेड अप कैपिटल एंड फ्री रिजर्व, यानी कि कोई कंपनी जो बाईबैक करेगी भी तो उस पे एक लिमिट है, और वो ये लिमिट ये है कि कंपनी की जितनी पेड अप कैपिटल है और प्लस में फ्री रिजर्व है। फ्री रिजर्व का मतलब अगेन वही हो गया जो ईयर मार्क्ड नहीं है, कंपनी के पी एंड एल अकाउंट का बचा हुआ बैलेंस या जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड, इन सबको मिलाकर के इसके टोटल 25% से ज्यादा के शेयर्स को बाईबैक नहीं कर सकती है। फिर एक कंडीशन का ध्यान रखना होता है, ये भी कई दफे पूछा गया है एग्जाम्स में कि डेट इक्विटी रेशियो क्या बचना चाहिए। तो एक कंडीशन है कि कंपनी जब बाईबैक करेगी तो उनका जो रेशियो है ये सोल्वेंसी रेशियो होता है कंपनी का, जो ये बताता है कि जिन लोगों ने कंपनी को लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है उनके लोन पे कोई संकट तो नहीं है। तो ये रेशियो 2:1 मेंटेन करना पड़ता है। 2:1 का मतलब है कि अगर कंपनी अपने शेयर्स को कम भी कर दे रही है, क्योंकि शेयर बाईबैक करने का मतलब है शेयर कम हो जाना, तब भी उसके डेट और इक्विटी यानी कि उसके लोन और उसके शेयर का जो अनुपात है वो 2:1 होना चाहिए।